वेलकम स्टूडेंट, आपके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में जो आपका ऑल यूजी कोर्सेज हैं सेमेस्टर 1-2 दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनमें भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य को आपके कंपलसरी पेपर के रूप में वैल्यू एडिट कोर्स के रूप में ऐड किया गया है। कोर्स क्रेडिट 2 यानी कि 2 क्रेडिट मिलेंगे इसके आपको एज पर द UGCEF 2022 एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। आपका ये वैल्यू एडेड कोर्स है, नाम है भारतीय भक्ति परंपरा और मानव, जो कि सभी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में सेमेस्टर 1 में या 2 में आपने लिया होगा। या तो आपका 1 में इसका एग्जाम हो चुका होगा या फिर 2 में अब आपका एग्जाम इसका हो। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। पहले हम सिलेबस टैली कर लीजिए बेटा, आप उसका सिलेबस चर्चा कर लेते हैं हम लोग। 3 इकाइयाँ हैं टोटल, भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य नाम से आपका पेपर है ये। पहली इकाई में 5 पाठ हैं, भारतीय भक्ति परंपरा, भक्ति अर्थ और अवधारणा, भक्ति के प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, भारत की सांस्कृतिक एकता और भक्ति, और भक्ति का अखिल भारतीय स्वरूप। ये पहली इकाई है आपकी, पहला यूनिट है। उसके बाद दूसरी है भारत के कुछ प्रमुख भक्त और उनके विचार, इसमें आपके बहुत सारे भक्तों को शामिल किया गया है। संत तिरुवल्लुवर, अडाल, संत अक्का महादेवी, मीराबाई, तुलसीदास, कबीर, संत रविदास, गुरु नानक, जाया सिंह, सूरदास, संत रामदेव, संत योगिनी दल अध्यक्ष, कुंचन नाम बियार, वेमना, सारलादास, तुकाराम और चैतन्य महाप्रभु, चंडीदास, नरसिंह मेहता, श्रीकंठ महादेव, श्रीमंत शंकर महादेव। मानव मूल्य और भक्ति तीसरी इकाई है इसकी, मानव मूल्य का अर्थ। ये आपका टोटल सिलेबस है बेटे। मैंने इसमें कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद रहें, और उसके लिए मैंने कुछ ट्रिक्स भी इस्तेमाल की हैं। तो पाठ का आपका जो पेपर है उसका नाम है भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में सेमेस्टर 1 या 2 में है। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आपकी पहली इकाई जो है, पहले मैंने जो आपको दार्शनिक हैं जो आपके, उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बता दिया है। इनकी आप चाहें तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, आप इनका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। भक्ति के प्रमुख दार्शनिक और उनके सिद्धांत, जो आपके दार्शनिक आएंगे इस पाठ में अभी थोड़ी देर के बाद, उनके लिए मैंने पहले ही आपको ये दे दिया है, जिससे कि आपको आसानी रहे याद करने में। इनको आप एक ही पेज में जब प्रिसाइज वे में देखेंगे तो आपको याद करना थोड़ा आसान। इसके बाद है, देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर परिचय भी दे देती हूँ इसका। आचार्य जो हुए हैं हमारे शंकराचार्य, जिन्होंने अद्वैतवाद का परिचय दिया था, इनका जन्म कहाँ हुआ था? मालाबार, केरल में। इनके माता पिता थे शिवगुरु और आर्यांबा। शिक्षा इनकी थी ब्रह्म सर्वोच्च है, ब्रह्म में माया की शक्ति जो है वो शामिल नहीं है, और अविद्या ही माया है, ऐसा इनका कहना था। ये इनकी शिक्षाएं। ये बात है रामानुजाचार्य, जिन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद की जो है हमें पहचान कराई, और भूतपुरी पैराम्बूर में इनका जन्म हुआ था। माता पिता थे इनके केशव और कांतिमती। इनका कहना था कि जगत सत्य है, ब्रह्म के इन्होंने 5 रूप बताए, और ब्रह्म जीव की आत्मा है, ऐसा ये कहते। इसके बाद आए मध्याचार्य, द्वैतवाद जिन्होंने परिचय दिया था, बेलीग्राम में इनका जन्म हुआ था। मदी जी भट्ट इनके पिता थे, वेदवती माता थी। ब्रह्म के 8 कार्य इन्होंने गिनाए, अभी इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जीव अनंत है और 3 वर्ग जीव के इन्होंने बताए हैं, अभी हम इन सभी चीज़ों को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मुक्ति इन्होंने 4 प्रकार की। इसके बाद निम्बकाचार्य जी को हम पढ़ेंगे, जिन्होंने द्वैत अद्वैतवाद के बारे में बताया। वेल्लरी में इनका जन्म हुआ। अरुण मुनि पिता थे इनके, वैजयंती देवी माता थी। जीव व जगत ब्रह्मा के अंश हैं, इनकी शिक्षा थी, और ब्रह्म कारण है और जीव कार्य है, ईश्वर ही नियंता है, ये इनकी शिक्षाएं। इसके बाद वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्वैतवाद का परिचय दिया था। काकरवाड़ ग्राम में इनका जन्म हुआ था। लक्ष्मण भट्ट इनके पिताजी थे, और इल मास चारू इनकी माता थी। माया से रहित है ब्रह्म, ऐसे इनकी शिक्षा थी। जीव अणु के सेव अणु जीव अणु व सेवक हैं, और मानसी साधन रूपी सेवा का इन्होंने परिचय दिया था। आगे हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ये आगे जब आएगा तब। फिलहाल हम शुरुआत से बिल्कुल इंट्रोडक्शन से इसका, जैसे कि आपके पेपर की शुरुआत करें। पहली इकाई है आपकी, जो उसका पहला पार्ट है भक्ति अर्थ और अवधारणा। भक्ति क्या है, भक्ति का अर्थ समझेंगे हम, और भक्ति का कंसेप्ट क्या है, भक्ति की अवधारणा क्या है वो।
हम लोग बहुत आराम से इस्तेमाल करते हैं शब्द भक्ति। इसका मीनिंग क्या है? आचार्य शुक्ल जी कहते हैं भक्ति का मतलब है किसी में श्रद्धा और प्रेम, किसी में आपकी श्रद्धा भी है और आपको उससे प्रेम भी है, तब आप कहेंगे कि आप उसकी भक्ति करें। यानी किसी में आपको पूरी विश्वास है पूरा कि ये जो कुछ करेगा सही करेगा, हमारे हित में करेगा, हमारे लिए अच्छा करेगा, और उससे आप प्रेम भी करते हैं, उसको आप सम्मान भी पूरा देते हैं, तो ये भक्ति कहलाएगी। ईश्वर के प्रति प्रेम ही, ईश्वर के प्रति परम प्रेम ही भक्ति, प्रेम और श्रद्धा। भक्ति के बेटे 9 रूप बताए गए हैं। भक्ति कैसे कैसे की जा सकती है, ये 9 तरीके बताए गए थे जिसे नवदा भक्ति कहा। श्रवण, ईश्वर के बारे में सुनना भक्ति है। कीर्तन करना, ईश्वर की महिमा गाना भक्ति है। स्मरण करना, ईश्वर को याद करना, सुमिरन करना जो कि कहते हैं, कबीरदास जी भी कहते हैं, सभी लोग कहते हैं सुख में सुमिरन सब करे दुख में करे न कोई, यानी कि ईश्वर का स्मरण करना, वो भी भक्ति है। चरण सेवन, किसी के चरणों की सेवा करना। चरणों की सेवा का मतलब ये नहीं है कि आप केवल पैरों की ही सेवा करेंगे, उसकी व्यक्ति के चरणों में आप लीन हो गए यानी कि उसकी सेवा में लीन हो गए तो वो भी भक्ति है। अर्चन, किसी की पूजा करना, किसी की वंदना करना, किसी का दास बन जाना, किसी का सखा बन जाना, ये सभी भक्ति के स्वरूप हैं। और आत्मनिवेदन, किसी के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देना, अपने आप को पूरी तरह से डेडिकेट कर देना, ये सभी के सभी नवधा भक्तियाँ कहलाती हैं। और सूर तुलसी कबीर नवधा भक्ति के भी ये सभी के सभी भक्त हैं। अब भक्ति 5 भावों में होती है। भक्ति कैसे कैसे कोई कर सकता है? भक्ति में एक तो होती है श्रृंगार भक्ति, जबकि कोई व्यक्ति ईश्वर को अपना प्रेमी या प्रेमिका मान लेता है। जैसे कि मीराबाई ने कृष्ण को अपना प्रेमी माना, पति माना, तो वो श्रृंगार भक्ति, वो उनको अपना स्वामी मानती थी, पति मानती थी, तो ये श्रृंगार भक्ति कहलाई। आपने छोटी क्लासेज में बेटा पढ़ा होगा श्रृंगार रस, तो वही है ये वात्सल्य, जहाँ ईश्वर को इंसान अपना, कोई भक्त जो है वो अपना संतान मान लेता है, अपने छोटे शिशु की तरह से जो प्रेम करता है। जैसे सूरदास ने जो जैसे लिखा, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया, तो उनकी जो भक्ति थी वो वात्सल्य भक्ति थी। दास या भक्ति, जिसमें स्वयं को कोई भी भक्त जो है ईश्वर का दास मान लेता है। और सख्य भक्ति होती है, जब कोई भी भक्त जो होता है वो अपने आप को ईश्वर का मित्र मान लेता है, सख्य यानी सखी सखा, तो वो हो जाती है सख्य भक्ति। और शांत भक्ति, यानी कि शांति से आप भक्ति कर रहे हैं, ना आप उनको प्रेमी मान रहे हैं, ना आपको पुत्र मान रहे हैं, ना आप उनके दास बन रहे हैं, ना उनके सखा बन रहे हैं, सिर्फ शांति से कोई ईश्वर है मुझे उसकी आराधना करनी है, तपस्या करनी है, वो कहलाती है शांत। तो 5 भाव के 5 भक्ति भाव आते हैं, श्रृंगार भाव, वात्सल्य भाव, दास्य भाव, सख्य भाव और शांत भाव। यहाँ से बेटे आपका प्रश्न बन सकता है कि भक्ति के 5 भावों का वर्णन कीजिए, या फिर नवधा भक्ति का परिचय दीजिए, या फिर भक्ति से आप क्या समझते हैं, उसमें आप ये दोनों की दोनों ही चीज़ें डिटेल में बता सकते हैं। आपका क्वेश्चन, क्योंकि आपको आंसर तो लंबा लिखना होगा, तो आप ये नवधा भक्ति और 5 भाव आप उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आंसर। आसक्ति क्या होता है? आसक्ति कहते हैं किसी चीज की तरफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन को, किसी के वश में हो जाने को आसक्ति कहते हैं। हम किसी की तरफ आसक्त हो गए, यानी कि हम किसी की तरफ अट्रैक्ट हो गए, किसी के वश में हो गए, किसी के कंट्रोल में हो गए, तो इष्ट की ओर उन्मुख होना। अपने इष्ट को, इष्ट कहते हैं अपने इष्ट को, जिसे हम अपना ईश्वर मानते हैं, उसकी ओर उन्मुख होना, उसकी ओर पूरी तरह से अपना पूरा ध्यान दे जाना, ईश्वर के सामने की काम, यह आसक्ति कहलाती है कि हम ईश्वर के ही रूप में हम पूरी तरह से विलीन हो जाएं, ये कामना करना आसक्ति है। भक्ति के प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, भक्ति के प्रमुख संप्रदाय, यहाँ संप्रदाय समझना बेटे बहुत जरूरी है कि संप्रदाय किसे कहते हैं। जैसे लोग भक्ति करते थे, तो भक्ति करते करते लोगों के साथ में पूरी बेटा मंडली बन जाया करती थी, पूरा गुट बन जाया करता था, पूरा समुदाय बन जाता था, एक कम्युनिटी बन जाती थी, जिनके अपने एक जैसे नियम हुआ करते थे, एक ही जैसी चीज़ों को फॉलो किया, तो उसे संप्रदाय कहा गया, उस भक्ति का संप्रदाय कहा गया, उस पर्टिकुलर भक्ति का पर्टिकुलर संप्रदाय वो कहलाया, और उसके सिद्धांत हुआ करते थे अपने। तो मान्यता जो है ये ऐसी है कि भक्ति का प्रारंभ, भक्ति की शुरुआत दक्षिण से हुई थी, दक्षिण भारत से हुई थी, और वहीं से प्रचार प्रसार होते होते धीरे धीरे ये उत्तर भारत तक आया। इसमें बहुत सारी बाधाएं आई, लेकिन जो आचार्य थे उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए और भक्ति को सारे देश में फैलाया।
इसमें कंसेप्ट आते हैं ईश्वर क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, माया क्या है और मोक्ष क्या है, इन चीजों को हम अभी डिटेल के यहाँ पर डिटेल में। तो भक्ति के सभी संप्रदायों को जब हम पढ़ेंगे तो ये सारी की सारी बातें अपने आप क्लियर होती थी। पहला संप्रदाय जो था सही हरिवंश का, जिसके जो प्रणेता थे, शुरुआत करने वाले थे, वो आता है राधा वल्लभ संप्रदाय कहलाता है। राधा वल्लभ संप्रदाय के जो लोग थे वो राधा कृष्ण के युगल के उपासक थे, यानी कि राधा कृष्ण की पूरी जोड़ी की वो पूजा किया करते थे, राधा और कृष्ण की एक साथ पूजा किया करते थे। राधा वल्लभ संप्रदाय के लोग कृष्ण के मुकाबले वो राधा को ज्यादा महत्व दिया और राधा के पति मानते थे कृष्ण को और उनका श्रृंगार माना राधा संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय के लोग, इसके की शुरुआत की थी हरिवंश ने। दूसरा था निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय मध्ययुगीन कृष्ण भक्ति के जो एक ऐसे प्रणेता रहे ये लोग, तो जब मध्ययुग चल रहा था, जब यहाँ पर मुगल आ चुके थे, उस वक्त कृष्ण की भक्ति किया करते ये लोग और ये भी राधा कृष्ण की युगल रूप से ही पूजा किया करते थे। राधा को वो वामांगी माना करते थे कृष्ण की, कि वो उनके वामांग में विराजमान है, उनके वाम अंग में विराजमान है, वामांगी कहते हैं पत्नी को। मान्यता ये थी उस संप्रदाय की कि कृष्ण जो है वो अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए अवतार लेते हैं और स्वयं शिव और परम ब्रह्म भी कृष्ण के इस रूप की वंदना, ये मान्यता थी उस समय। सखी संप्रदाय, ये तीसरा संप्रदाय आया यहाँ निकल के, सखी संप्रदाय जिसकी शुरुआत की थी स्वामी हरिदास जी ने। ये लोग कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया करते थे, कृष्ण की जितनी भी लीलाएं होती थी, कृष्ण की जितनी रास लीलाएं होती थी उनके वर्णन किया करते थे सखी संप्रदाय के लोग और कृष्ण को सर्वोपरि मानते थे। वो मानते थे कृष्ण सबसे ऊपर है, सबसे महत्वपूर्ण कृष्ण है, दुष्टों का दलन करते हैं कि दुष्टों का नाश करते हैं और कृष्ण की लीलाओं को गाया। इसके बाद आया गौड़ीय संप्रदाय। चैतन्य महाप्रभु का था ये गौड़ीय संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी, चैतन्य महाप्रभु ने। अभी जब हम भक्तों के बारे में पढ़ेंगे तो इन सभी के नाम फिर से वापस हमारे सामने आए। राधा कृष्ण के स्वरूप और उनकी शक्तियों के ये लोग गुण गाया करते थे, गोलोक लीला और माधुर्य भाव की भक्ति इनकी थी। ये लोग उनको एक तरीके से स्वयं को प्रेमिका मानते थे, उनको प्रेमी मानते थे, इस तरीके का रहता था। आगे वल्लभ संप्रदाय, स्वामी वल्लभाचार्य जी का था ये। कृष्ण भक्ति इनका एक तरह से नियम था, श्री कृष्ण को ये परम ब्रह्म माना करते थे, उनकी नित्य लीलाओं का जो रोज वो लीला किया करते थे उनकी ये चर्चा किया। तो ये सारे के सारे थे संप्रदाय। कौन कौन से संप्रदाय हमने पढ़े? राधा वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, सखी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय और वल्लभ संप्रदाय। तो इनके बारे में आपसे प्रश्न बन सकता है कि भक्ति के विभिन्न संप्रदायों का संक्षिप्त परिचय दी, इसमें आपको इन सभी के बारे में बताना है, इनके प्रणेता के बारे में बताना है और इनकी भक्ति के तरीके के बारे में। प्रणेता यानी कि शुरुआत करने वाले भक्त जिन्होंने इस संप्रदाय की शुरुआत की। अब हम पढ़ रहे हैं भक्ति के प्रमुख दार्शनिक एवं उनके सिद्धांत, वो आचार्य जिनकी हमने भी शुरू में टेबल पढ़ी थी, वही है ये सबसे पहले शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी का हमने पढ़ा था वहाँ टेबल में भी। जन्म इनका दक्षिण में हुआ मालाबार में, कालाद्री में, कालाद्री नाम की जगह पर। नम्बूदी ब्राह्मण हुआ करते थे, ब्राह्मणों में भी अलग अलग कम्युनिटी जैसे होती है बेटा, तो ये नम्बूदी ब्राह्मण थे। इनके पिता शिवगुरु थे और माता आर्यांबा थी। इन्होंने बहुत सारे मठ बनाए उस समय पर, स्त्रियों के अलावा सबको संन्यास की दीक्षा दी। अद्वैतवाद इनकी शिक्षा थी कि ईश्वर जो है वो ब्रह्म एक ही है, उसी ने सारी दुनिया की स्थापना की है, उसी से सब कुछ विकसित। हम सभी के अंदर ब्रह्म है, जो कि इनकी शिक्षा थी होती अहम ब्रह्मास्मि कहते कि मेरे अंदर भी ब्रह्म विराजमान। 32 वर्ष की आयु में इन्होंने 272 ग्रंथ लिख दिए थे। ब्रह्म सूत्र का इनका भाष्य था, ब्रह्म सर्वोच्च है, देश काल से विलक्षण है, यानी कि चाहे कोई भी देश हो, कोई भी समय हो, ब्रह्म हमेशा से सर्वोच्च था, सर्वोच्च है, सर्वोच्च रहेगा। ब्रह्म के अंदर ही माया की भी शक्ति शामिल है, ऐसा ये कहते थे। और परमात्मा आकाश की तरह सर्वव्यापक है, आत्मा और ब्रह्म एक है, माया अविद्या है, अविद्या जो है, अज्ञान जो है, वही माया है, इंद्रजाल है, ऐसा इनका कहना। ये थे शंकराचार्य जी। और उसके बाद थे रामानुजाचार्य। इनका जन्म दक्षिण में हुआ था भारत में, भूतपुरी में। माता पिता थे इनके केशव और कांतिमती जी। वैष्णव भक्त थे ये, गीता पर भाष्य लिखा था इन्होंने और बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे,
जगत असत नहीं है, इस जगत जो है ये असत्य नहीं है, ऐसी इनका शिक्षा थी। ब्रह्मा के पांच रूप इन्होंने बताए, परम ब्रह्म, व्यू, विभव, अंतर्यामी और अर्चा। ये पांच रूप इन्होंने ब्रह्म के बताए थे, और ब्रह्म ही ईश्वर है ऐसा इनका कहना था, इनकी शिक्षा ये थी। इसके बाद आए मध्याचार्य। मध्याचार्य का जन्म हुआ था बेलीग्राम में, वेद वेद ब्राह्मण थे ये। रागपीठ नामक नगर में इनका जन्म हुआ था। जन्म का नाम, इनका बचपन का नाम वसुदेव था। कुशाग्र बुद्धि थे, इंटेलिजेंट थे, टैलेंटेड थे, लेकिन पढ़ने में मन नहीं लगता था। दीक्षा के बाद इनका नाम पूर्ण प्रज्ञा बना, और गुरु ने नाम दिया इनको आनंद तीर्थ। इन्होंने 37 ग्रंथ लिखे, 37। माधव विजय इनका जीवन चरित्र है। माधव विजय नाम से जो ग्रंथ है उसमें इनके जीवन की चर्चा मिलती है, इनकी एक तरीके से बायोग्राफी, इनकी बायोग्राफी। द्वैत संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। शंकराचार्य और रामानुजाचार्य जो दो पीछे हम पढ़ चुके हैं, उन दोनों का इन्होंने विरोध किया। ब्रह्म के इन्होंने आठ कार्य बताए। उत्पत्ति, यानी कि ईश्वर जो है, ब्रह्म जो है, वो आठ काम करते हैं। उत्पत्ति करते हैं हमारी, यानी कि हम जीवों को पैदा करते हैं, हमारा पालन करते हैं। लय, नियंत्रण, हमें लय में लाते हैं, मतलब कि हमें बैलेंस रखते हैं, नियंत्रण में रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं। आवरण, बोधन, बंधन और मोक्ष, ये सब ब्रह्मा हमारे लिए करते हैं, ये इनका कहना। जीव अनंत है, जीव अनंत है, यानी कि उसका कोई अंत नहीं है। इसके तीन वर्ग बताए इन्होंने, मुक्ति योग्य, नित्य संसारी और तमोयोग। इसको मुक्ति मिल सकती है, जिसे मुक्ति मिल जानी चाहिए, और एक जो नित्य संसारी जो संसार में लीन है, और एक तमोयोगी जिससे कि तम, यानी कि जो जिसने गलत काम किए हैं, जिससे कि मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए और संसारी भी नहीं। साधना के इन्होंने तीन ढंग बताए थे, साधना के तीन तरीके बताए थे, पूजा के अंकन, कामम्मा नामकरण और भजन। ये तीन तरीके बताए थे इन्होंने भक्ति। इसके बाद आए निम्बकाचार्य जी। तैलंग ब्राह्मण थे ये, जन्म इनका वेल्लरी में हुआ था। हालांकि इनके जीवन काल में क्या क्या हुआ, किस समय इनका जन्म हुआ, कहाँ हुआ, वो सारी चीज़ें कन्फर्म नहीं है। इनको लोग सुदर्शन का अवतार बताते हैं। दक्षिण के थे, लेकिन वृंदावन में रहे ये सारी जिंदगी, और प्रथम आचार्य थे जिन्होंने उत्तर भारत में राधा कृष्ण की भक्ति की, निम्बकाचार्य। इनके अनुयायी जो थे, इनके भक्त जो थे, बंगाल और ब्रज में आज भी खूब मिलते हैं, गृहस्थ भी होते हैं और सन्यासी भी। इनका कहना था कि द्वैत भी सत्य है और अद्वैत भी सत्य है। इन्होंने जो वाद दिया था उसे कहते हैं द्वैताद्वैतवाद। ऋषि संप्रदाय भी से कहा जाता है। गोपी चंदन तिलक लगाते हैं ये लोग, और जीव जगत ब्रह्मा के अंश मात्र अपने आप को मानते हैं। ब्रह्म कारण है, जीव और जगत उसके कार्य हैं, ऐसा इनका मानना। इसके बाद थे वल्लभाचार्य जी। दक्षिण में गोदावरी के किनारे काकरवाड़ में इनका जन्म हुआ था। तेलुगु ब्राह्मण थे ये। दिग्विजय ग्रंथ में इनके जीवन चरित्र के बारे में जानकारी मिलती है, इनकी बायोग्राफी एक तरीके से कह सकते हैं। 10 वर्ष की आयु में, यानी कि जब ये 10 वर्ष के थे, तभी इन्होंने वेद, पुराण, उपनिषद का अध्ययन कर लिया था। उत्तर भारत की इन्होंने बहुत सारी यात्राएं की। महालक्ष्मी जी से विवाह किया था इन्होंने, विठल दास के, विठल नाथ इनके पुत्र हुए, और इन्होंने रुद्र संप्रदाय चलाया। इनका वाद था शुद्धाद्वैत, शुद्धाद्वैतवाद इन्होंने चलाया। वेदांत पर इन्होंने अनुभाष्य लिखे थे, सुबोधिनी की टीका लिखी। सुबोधिनी बोलते थे महिलाओं के लिए उस समय, बेटा अलग से बुक आया करती थी जिसे सुबोधिनी, स्त्री सुबोधिनी कहा जाता था, उस पर इन्होंने उसकी समीक्षा लिखी थी। उसको 84 ग्रंथ, 84 इन्होंने ग्रंथ लिखे। माया संबंध से रहित है, ब्रह्म शुद्धाद्वैत है, और जीव अणु है और सेवक है। ब्रह्म निर्गुण है, निर्विशेष है, ब्रह्म का कोई पर्टिकुलर कोई रूप नहीं है। कृष्ण भक्त थे ये, गोलोक के अधिपति कृष्ण को, ये जो कृष्ण है और वही ब्रह्म है, ऐसा इनका कहना था कि गोलोक के अधिपति कृष्ण है और वही ब्रह्म भी हैं। सेवा इन्होंने बताई, मानसी सेवा और साधन रूपा। मानसी सेवा में यानी कि कृष्ण का चित्र लगा के भक्ति करना, और साधन रूपा में द्रव्य अर्पण करना, यानी कि चीजों को दान करना। दो तरह की सेवा इन्होंने बताई। तो ये थे हमारे आचार्य, कौन कौन से थे, शंकराचार्य, शंकराचार्य के बाद थे रामानुजाचार्य और मध्याचार्य, निम्बकाचार्य और वल्लभाचार्य। पांच आचार्यों के बारे में हम लोगों ने शुरू में एक तालिका में भी देख लिया था। ये हमारी पहली इकाई यही खत्म हुई। पहला इकाई जो थी हमारी, पहली यूनिट के जो पार्ट थे पांच, वो पांचों के पांचों बेटे खत्म हो गए। दूसरी इकाई जिसमें कि प्रमुख भक्त और उनके विचारों के बारे में चर्चा रहेगी, इसकी भी मैंने टेबल बनाई है, उसको भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। पहले आप उसी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
यहाँ नहीं है, लास्ट में ही है, उसका लास्ट में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैंने लिया तो था। चलिए उसका आप लास्ट में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अभी इसमें है नहीं, तो आप लास्ट में ले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट। मैं इनके बारे में आपको बहुत शॉर्ट में चीज़ें बता रही हूँ। काइडो में सबसे पहले आपको लिए गए हैं संत तिरुवल्लुवर जी, दक्षिण भारत की सर्वधर्म समभाव की प्रवृत्ति का तमिल संत कवि रहे हैं। ये कि इनका कहना था कि सभी धर्म समान हैं और सभी के सभी ईश्वर जो है एक ही है। एक तरीके से आप इनको दक्षिण के कबीर कह सकते हैं। संत तिरुवल्लुवर, इनका जीवन व्रत अज्ञात है कि ये कब पैदा हुए वो चीज़ कंफर्म नहीं है, लेकिन लोगों का मानना है कि 200 ईस्वी पूर्व से 8वीं या 9वीं शताब्दी के बीच में कभी हुए थे। इनको दक्षिण का कबीर कहा जाता है। जीवन और विचारों में इनके कबीर से बहुत समानता होती है, कबीर से बहुत सिमिलर है, उसी तरीके का इनका जन्म हुआ। इनको भी जैसे कबीर दास जी को यहाँ पर मिले थे अपने माता पिता को, कहीं ऐसे ही ये भी अपने माता पिता को मिले थे, और उसी तरह की इनकी सोच थी। ये भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे कबीर दास की तरह, इनके और कबीर के जीवन में बहुत सी समानताएँ हैं और इनके विचारों में भी उतनी ही समानताएँ हैं। साथ में ये भी जुलाही ही थे, कबीर दास भी कपड़ा बुनने का काम करते थे, ये भी कपड़ा ही बुना करते थे। वल्लू का मतलब होता है जुलाह, कपड़ा बुनने वाला, और तिरु का मतलब होता है श्री माननीय रिस्पेक्टेड। तो तिरुवल्लुवर का मतलब हुआ कपड़ा बुनने वाले महान व्यक्ति। तो वहाँ पर तिरुवल्लुवंश वर्ष मनाने की इनकी परंपरा है, वहाँ पर तिरुवल्लुवंश वर्ष मनाया जाए। तमिलनाडु में 15 या 16 जनवरी को तिरुवल्लुवर दिवस मनाया जाता है, जो कि पोंगल समारोह का पोंगल मनाया जाता है, जो 14, 15, 16 तारीख में उसी का हिस्सा भी होता है। ये वयस्क हुए, जब युवा हुए तो इनको वैराग्य हो गया, माता पिता से अनुमति लेकर के ये कठिन साधना के लिए निकल पड़े थे। कबीर की तरह ही इनका भी एक समय के बाद उस साधना से मन उचट गया था। इन्होंने वासुकी नाम की महिला से विवाह किया, वासुकी की मृत्यु हो गई थी बाद में, और बुनकर का व्यवसाय इनका भी था कबीरदास की तरह। कपड़े बुनकर आजीविका चलाते थे, अपना जीवन चलाते थे, और तपस्वी का जीवन भी। यदि जैसे कबीर साखियाँ और दोहे रस्ते थे, ऐसे ही इन्होंने भी दो पंक्तियों की शब्द रचनाएं की, यानी कि इनकी जो दोहे साखियाँ ऐसे ही इनकी भी मिलती हैं, मानवता के पथ प्रदर्शक रहे। ऐसा APJ अब्दुल कलाम जी जो हमारे राष्ट्रपति जी रहे हैं, उन्होंने इनके बारे में कहा कि संत तिरुवल्लुवर मानवता के पथ प्रदर्शक थे। ऐसी बात, ये बात डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कही संत तिरुवल्लुवर जी के बाद। तो इनकी सरलता, सहजता और समर्पण, निष्काम प्रेम के कारण ये लोकप्रिय रहे अपने क्षेत्र में। चेन्नई के कोविल मंदिर में लंदन यूनिवर्सिटी और कन्याकुमारी के दक्षिण सिरे पर इनकी प्रतिमाएं लगी हैं। चेन्नई के कोविल मंदिर में, लंदन यूनिवर्सिटी में और कन्याकुमारी के दक्षिण सिरे पर संत तिरुवल्लुवर की मूर्तियाँ आज भी देखने को मिलती हैं। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद इन्होंने वेदना का काव्य लिखा, दर्द से भरे हुए काव्य रचना की, जो कि महानतम रचना इनकी मानी जाती है। तिरक कुरल कहा जाता है, जिसको कुरल का मतलब होता है छोटा। कबीर की तरह दोहे साखी लिखते थे, जैसे वैसे इनके कुरल प्रसिद्ध हैं। जैसे हम लोग यहाँ नॉर्थ इंडिया में दोहा बोलते हैं, साखी बोलते हैं बेटे, ऐसे ही साउथ में कुरल बोलते हैं। तो इन्होंने तिरक कुरल जो लिखा था वो एक तरीके से वहाँ का बहुत ही सम्माननीय ग्रंथ है। तमिल समाज की समझ के लिए कहा जाता है कि तिरुक्कुरल पढ़ना बहुत जरूरी है। तिरुक्कुरल की रचना 2000 वर्ष पूर्व हुई थी, तमिल का वेद माना जाता है उसको। इसमें 133 अध्याय हैं और हर अध्याय में 10 पद। विवेक, सम्मान, सद्व्यवहार, सामाजिक जीवन, ये सब शिक्षाएं थी तिरुवल्लुवर जी की। कुरल न धर्म ग्रंथ है और न महाकाव्य है, लेकिन जीवन में दिशा निर्देशन करता है कुरल। तिरुक्कुरल के बारे में ये बात कही गई, मानव जीवन के उच्च आदर्श देता है, मूल्य देता है। भेदभाव का विरोध करते थे वो, समानता की बात करते थे और बंधुत्व की बात करते थे। ये सभी शिक्षाएं थी तिरुवल्लुवर जी की। वो कहते थे कि मानव जीवन के उच्च आदर्श क्या क्या हैं, मूल्य, भेदभाव का विरोध करते थे वो, समानता की बात करते थे, बंधुत्व की बात। हिंदू विचार पद्धति की स्पष्ट छाप उनके ऊपर मिलती है। हिंदू विचार पद्धति जो है, हिंदू विचारधारा जो है, वो बिल्कुल उनके भावों में दिखाई पड़ती है। मुक्तक काव्य उन्होंने लिखा था तिरुक्कुरल, और तमिल साहित्य में वही स्थान है उसका जो कि हिंदी साहित्य में हमारे जो है गीता रामचरितमानस का है, क्रिश्चियन जैसे बाइबल का सम्मान करते हैं, कि तरीके से तमिल में तिरुक्कुरल को उतना ही सम्मान प्राप्त है।
अब इनके विचार क्या क्या थे? विचार जानने के दो शेप थे, प्रेरक प्रसंग और लेखन। इनके बारे में प्रेरक प्रसंग बहुत सारे मिलते हैं और इनका अपना लेखन, इन दोनों चीज़ों से इनके विचारों के बारे में जानने को मिलता है। एक कहानी इनके बारे में बड़ी प्रसिद्ध है कि संत तिरुवल्लुवर जो है वो जुलाहे का काम किया करते थे, तो कोई एक बड़ा धनी कोई व्यक्ति इनकी दुकान पर आ गया और एक साड़ी मांगी, इन्होंने साड़ी दे दी। उसने क्या किया कि साड़ी के दो टुकड़े कर दिए और कहा कि साहब कितना दाम हुआ? इन्होंने आधा दाम बताया कि अपने इसके आधे पैसे दे दो, क्योंकि तुम आधी साड़ी ले रहे हो। उसने फिर से तो उसको कहा आधा तो फाड़ दिया, इन्होंने और आधे पैसे बताए। इस तरीके से वो तब तक फाड़ता चला गया जब तक कि वो साड़ी बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बच गई। उसके बाद इन्होंने कहा कि अब ये साड़ी किसी मूल्य की नहीं रही, क्योंकि अब इसका कोई उपयोग नहीं। इसके बाद जब वो धनी व्यक्ति जो था, जो रईस आदमी था, घमंडी व्यक्ति था, वो जब इनको साड़ी के पैसे देने लगा, तो इन्होंने उसको ये कह के मना कर दिया कि आपने खरीदा तो है ही नहीं। तो फिर वो कहता है कि हाँ, फिर मैंने आपका नुकसान तो किया है? तो कहते हैं नहीं, आपने मेरा नुकसान नहीं किया है, आपने नुकसान किया उस किसान का जिसने ये कपास बोया था, आपने नुकसान किया उस जो है जुलाहे का जिसने इसको बुना था, उसका उस व्यक्ति का नुकसान किया जिसने कि सूत काटा था। क्या आप उन सब की जो मेहनत थी उसको पे कर सकते हैं? उसकी आप कीमत चुका सकते हैं? नहीं चुका सकते हैं, इसलिए आप जो पैसे दे रही हैं वो इसका मोल था ही नहीं। और इस तरीके से इन्होंने वहाँ पर उसको रिसोर्सेज को बर्बाद ना करने की एक तरीके से ज्ञान दिया था। तो ऐसे जो प्रसंग हैं उनसे पता चलता है कि संत तिरुवल्लुवर की विचारधारा क्या थी। ऐसे वहाँ के बहुत सारे प्रेरक प्रसंग वहाँ के तमिल साहित्य में देखने के लिए मिलते हैं। साथ में इन्होंने गृहस्थ जीवन की महत्ता बताई है कि गृहस्थ जीवन का इम्पोर्टेंस क्या है, शादीशुदा जिंदगी की क्या इम्पोर्टेंस है इंसान के लिए। श्रम का महत्व बताया, जैसे अभी मैंने आपको प्रसंग बताया, इसमें भी इन्होंने श्रम के महत्व की ही बात की थी। इंसान के मेहनत को रिगार्ड देना चाहिए। साथ में इन्होंने कहा कि अन्न ही ईश्वर है, अन्न जो है उसे हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए, वो ईश्वर का ही रूप है। सहनशीलता की शिक्षा देते चाहिए कि व्यक्ति को सहनशील होना चाहिए। साथ में ईश्वर भक्ति, सदाचार, परोपकार, भाईचारा और लोक मंगल, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, सदाचार में हमें रहना चाहिए, यानी कि हमेशा हमारा आचार व्यवहार शुद्ध होना चाहिए, हमें गलत आदतों का पालन नहीं करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, जो भी व्यक्ति कोई परेशान है उसकी मदद करनी चाहिए, भाईचारा निभाना चाहिए और सदैव लोक मंगल की कामना करनी चाहिए, ये इनकी शिक्षाएं। इसके बाद आंडाल, ये दक्षिण रविन्द्र भक्त कवित्री, दक्षिण भारत की मध्य दक्षिण की इनको मीरा कहा जाए। इनका भी जीवन व्रत जो है वो नहीं मालूम है कि कब ये हुई, समय पर मत भिन्नता है कि कब ये पैदा हुई, किस समय में ये हुई थी, इस बारे में अलग अलग राय लोगों की मिलती है। तो तनया सीता की भांति माना गया, भूदेवी कहा गया इनको, और ये तुलसी के पौधे को सींचते हुए अपने पिता को मिली। गोदा, गोदाबा, कोदे नाम से भी ये प्रसिद्ध है वहां पर आंडाल। तमिल में इनका नाम है आंडाल और संस्कृत में इनका नाम है गोदा। इन्होंने संस्कृत में भी रचना की और तमिल में भी इन्होंने काव्य रचना। बचपन से ही भक्ति में लीन रही है, हमेशा से भक्त थी। आलवारों में, आलवार कहते थे विष्णु भक्तों को, एकमात्र महिला कवि रही है जो विष्णु भक्त रही है, उनमें बाकी सभी पुरुष थे। मीरा की तरह कृष्ण में एकाकार भी हो गई, जिसके बारे में भी यही कहा जाता है कि जैसे मीरा की कृष्ण में लुप्त हो गई थी, लीन हो गई थी, उसी तरीके से ये भी आंडाल भी श्री कृष्ण में ही लीन है। इनमें जैसे तिरुवल्लुवर और कबीर में बहुत सारी समानताएं मिलती हैं, ऐसे ही आंडाल और मीरा में बहुत सारी समानताएं। इनके दो ग्रंथ हैं तिरुपात्य और नाचिया तिरुमौली, वेद पुराण और उपनिषदों की इन्होंने व्याख्या की। आंडाल के विचार क्या थे? विष्णु भक्त कवित्री थी। मीरा की तरह इन्होंने दाम्पत्य भक्ति की, जिसे श्रृंगार भक्ति भी अभी हमने पढ़ा था। कृष्ण के लिए इनका अनन्य समर्पण था, मीरा की तरह कृष्ण को समर्पित थी पूरी तरह से, और इनका दृढ़ विश्वास था कि भगवान सर्वभूत रथ हैं, यानी कि हर जगह मौजूद है। एक निष्ठ व्यक्ति ही कृपा का पात्र बनता है, इनका मानना था कि जो व्यक्ति एक ही ईश्वर में ही श्रद्धा रखता है वही उनकी कृपा का पात्र बनता है, उसी पर ईश्वर की कृपा होती है। संसारी व्यक्ति भक्ति साधना का अभिनय भी करता है तो भगवान उसकी रक्षा में तत्पर हो जाते हैं। इनका विचार था कि अगर कोई संसार में व्यक्ति ईश्वर की आराधना का, ईश्वर की प्रार्थना का नाटक भी करता है तो भी ईश्वर उसकी रक्षा करने के लिए तैयार खड़े हैं, ये इनकी शिक्षा। भारत की सांस्कृतिक एकता और भक्ति आंदोलन की जड़ें भारतीय समाज और संस्कृति में बहुत गहरी थी। भारत बहुत विशाल देश है, विस्तृत भौगोलिक देश है भारत, यहाँ की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर संसाधन भी है। यहाँ पर अलग अलग तरह की बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं, बहुत तरह के धार्मिक प्रवृत्तियाँ, अलग अलग तरह के धर्म माने जाते हैं,
और भारतीय जो सभ्यता है हजारों वर्षों से ऐसे ही चली आ रही है, ये अक्षुण्ण है, यानी कि ये खत्म नहीं होती है। भारत का सांस्कृतिक इतिहास जो है वो बताता है कि यहाँ पर किस तरीके से सांस्कृतिक एकता रही है, किस तरीके से एक तरह से अनेकता में एकता की कहानी भारत का जो सांस्कृतिक इतिहास है वो बताता है कि कैसे यहाँ पर अलग अलग तरह के धर्म हैं, कैसे भाषाएं हैं, कैसे संस्कृति हैं, यहाँ अलग अलग तरह के खान पान, पहनावे, भाषा, त्यौहार, विश्वास, परंपराएं बहुत तरह की। तो भारत में धार्मिक विविधता है बहुत तरह की, और यहाँ 8 बड़े धार्मिक समुदाय हैं। पिछले यूनिट का थोड़ा सा आ गया है बीच में, एज आगे पीछे हो गई है। तो 8 बड़े धार्मिक समुदाय हैं भारत में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी, ये 8 बड़े धार्मिक समुदाय भारत में पाए जाते हैं, और ये भी आगे सब कैटेगराइज है। तो 8 धर्म कौन कौन से हैं? बड़े बड़े धार्मिक समुदाय, हिंदू सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है भारत में, उसके बाद मुस्लिम, फिर सिख, फिर ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी और यहूदी, ये 8 बड़े धार्मिक समुदाय भारत में एक साथ रहते हैं। इसके अलावा आदिवासी समुदाय भी यहाँ पर हैं, जिनके अपने अलग धार्मिक विश्वास हैं, वो इन 8 से अलग हैं। और विभिन्न धार्मिक समुदायों में भी कई कई संप्रदाय हैं, जैसे हिंदुओं में वैष्णव, शैव, शाक्त, संत संप्रदाय, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ये सभी हिंदुओं के अलग अलग संप्रदाय हैं। ऐसे ईसाइयों में कैथोलिक हैं, प्रोटेस्टेंट हैं, मुस्लिमों में शिया सुन्नी हैं, बौद्धों में हीनयान महायान है, और जैनों में श्वेतांबर दिगंबर है। तो एक तरीके से जो हमारा भारत है, ये साझा संस्कृति का इतिहास है, वो मिली जुली संस्कृति का प्रमाण है। एकता का इतिहास है, परंपरा है, यहाँ पर एकता की मंदिर हमारे यहाँ बहुत सारे मिलते हैं, और वैदिक परंपरा की देव है इंद्र, सूर्य, सोम, जो आज हम देव जिन देवताओं की पूजा करते हैं उनसे पहले इंद्र देव की, सूर्य देव की, सोम देव की पूजा हुआ, सोम कहते हैं चंद्रमा को, इनकी पूजा हुआ करती थी। वैदिक काल में इन सब देवताओं की पूजा होती थी। 8वीं शताब्दी तक आते आते ये सब कौन हो गए, इनकी इम्पोर्टेंस थोड़ी कम हो गई, उनकी जगह विष्णु, शिव, देवी की आराधना का प्रचलन शुरू हुआ। पहले लोग विष्णु की पूजा करने से पहले, शिव और देवी की पूजा करने से पहले इंद्र देव की, सूर्य देव की, सोम देव की पूजा किया करते थे, और 8वीं शताब्दी तक आते आते विष्णु, शिव, देवी की पूजा का चलन शुरू। विभिन्न धार्मिक समुदायों व विश्वासों का लक्ष्य एक विराट मानवता की अवधारणा से ही जुड़ता है। जितने भी धार्मिक समुदाय हैं, जितने भी विश्वास हैं, सभी का लक्ष्य क्या है, वो यही है कि विराट मानवता की अवधारणा से मानव के हित में हो, और मानवता ही विराट है, यही कंसेप्ट सभी के सभी धर्म दे। भक्ति का स्वरूप, भक्ति काल जो है वो 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में भक्ति काल का है। 8वीं शताब्दी में भक्ति काल शुरू हो गया था, और 18वीं शताब्दी तक उस समय की भारत के व्यापारिक संपर्क विश्व के कई देशों के साथ, उस टाइम में भी जब भक्ति काल चल रहा था 8वीं शताब्दी में, जब विष्णु, शिव और देवी की पूजा शुरू हो चुकी थी, उस समय भी हमारे बाहर कई देशों के साथ व्यापारिक संपर्क हुआ करते थे। 8वीं शताब्दी के आरंभ में अरब मुसलमानों के भारत पर आक्रमण से भारतीय समाज इस्लाम और अरब के संपर्क में, जब 8वीं शताब्दी में हमारे यहाँ अरबों का आक्रमण हुआ, अरबों ने जब आक्रमण किया तो भारतीय समाज जो था वो इस्लाम और अरब के संपर्क में आ गया। भारत में केंद्रीय शासन व्यवस्था नहीं थी, ये बड़ी ही एक कमी थी ये भारत की शासन व्यवस्था की। यहाँ पर छोटे छोटे राज्य तो थे, लेकिन कोई केंद्र, सेंट्रलाइज कोई सिस्टम नहीं था जो पूरे इंडिया को कंट्रोल कर रहा हो। जैसे आज की तारीख में हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ऐसी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट उस टाइम पर नहीं हुआ करती थी, और यही कारण रहा कि यहाँ पर बहुत से बाहरी लोग आक्रमण करते रहे। राष्ट्रीय संस्कृति का अभाव था, कोई एक नेशनल कल्चर यहाँ पर कोई नहीं था। हर राज्य की अपनी कल्चर थी, हर राज्य का अपना शासन था, लेकिन कोई सेंट्रल कल्चर, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर नहीं हुआ करती थी। अलबरूनी ने उस टाइम पर यात्रा की थी, वो बताते हैं कि यहाँ पर जाति व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी बहुत सारी यहाँ पर। और इस्लाम संपर्क का जब दूसरा दौर आया, पहले दौर में जबकि अलबरूनी आक्रमण किया था तब की बात ये थी, और जब दोबारा से महमूद गजनवी ने आक्रमण किया और तुर्की शासनों के प्रभाव, शासन का भी यहाँ पर प्रभाव पड़ा, तो विविध आक्रमण झेलते हुए भारतीय समाज मुस्लिम और गैर मुस्लिम समाजों में बट गया। जब यहाँ पर महमूद गजनबी का आक्रमण हुआ और फिर तुर्की शासकों ने भी यहाँ पर आके शासन किया, तो उससे क्या हुआ कि यहाँ पर जब बार बार आक्रमण होते रहे, तो इंडियन जो हमारा जो सोसाइटी थी सारी की सारी, वो मुस्लिम और गैर मुस्लिम समाज में बट गई। मुस्लिम शासकों की छावनी में जन्मी उर्दू और हिंदी का मिश्रित रूप हिंदवी था, मुसलमान और जो कि यहाँ की हिंदी थी,
दोनों चीज़ें जब मिली, उनकी उर्दू और यहाँ की हिंदी, तो नई भाषा बनी जो कि हिंद भी जिसको नाम दिया गया, हिंदुस्तानी समन्वय की संस्कृति का प्रतीक है ये, जो कि हिंदुस्तानी एक तरीके से, जैसे अगर आप गंगा जमुनी तहजीब कह देते हैं, उसके कोऑर्डिनेशन की प्रतीक है ये हिंद भी। कई संस्कृतियों के मेल मिलाप से विभिन्न प्रादेशिक बोलियों में भी अभिव्यक्ति को महत्व मिला। जब ये नई संस्कृतियाँ जो आईं, कई संस्कृतियाँ जब मिलने लगीं, तो जो अलग अलग लोकल लेवल पर जो बोलियाँ थी उनको भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस मिलने लग गया। भक्त कवियों में लगभग सभी भाषाओं में साहित्य रचा, जितने भी भक्त कवि थे उन्होंने यहाँ लगभग सभी भाषाओं में साहित्य रचा, और भक्ति और साहित्य का वो स्वर आज भी प्रसंग, आज भी वो सब देखने को हमें पढ़ने को मिलता है। सगुण भक्त, निर्गुण भक्त, सूफी भक्त भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय एकता को स्थापित। भारतीय भक्ति काल का उदय कब हुआ बेटा, ये हम पढ़ रहे हैं, बीच में बेटा पेज थोड़े से वो आगे से आ गए थे, उनको हम दोबारा पढ़ लेंगे। भारतीय भक्ति काल का उदय कब, भक्ति आंदोलन का स्वरूप क्या था और विशेषताएं क्या थी। छठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन शुरू हो गया था। विष्णु भक्त थे उनको अलवार कहा जाता था, और शिव भक्त जो थे उनको नयनार कहा जाता था। छठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था, और इसके बारे में मान्यता है कि दक्षिण से शुरू हुआ था, दक्षिण भारत से शुरू हुआ था। तो विष्णु भक्त कहा जाते थे उनको अलवार कहते थे, और जो शिव भक्त थे उनको नयनार कहते। इन लोगों ने अपने अपने इष्ट के, अपने अपने ईश्वर के निवास स्थान को पवित्र स्थल घोषित कर दिया। तो ये हमारा होली प्लेस है, वहाँ पर बड़े बड़े विशाल मंदिर बन गए, वहाँ पर भजन होने लग गए, वहाँ पर रचना होने लग गई, और मतलब एक लेकिन बड़े बड़े मंदिर बनने लगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो बताते हैं कि भक्ति काल बाह्य आक्रमणों की प्रतिक्रिया थी। जब यहाँ पर बाहर से बार बार आक्रमण हो रहे थे, अलबरूनी आक्रमण कर रहे थे, तुर्की आक्रमण हो रहे थे, मोहम्मद गजनवी आक्रमण कर रहे थे, तो उसके प्रतिक्रिया के रूप में, उसके रिएक्शन के रूप में भक्ति काल शुरू हुआ, एक भक्ति आंदोलन शुरू हो गया था। मूर्तियाँ बनने लगीं, देवी देवताओं की चित्रकारियाँ बनने लगी, संगीत बनने लगा, गीत रचे जाने लगे, कविताएं रची जाने लगीं, दोहे लिखे जाने लगे, ग्रंथ लिखे जाने लगे। ये सब भक्ति काल था, जब सब कुछ भक्ति के एंगल से ही हो रहा था। तो द्रविड़ प्रदेश से भक्ति काल की शुरुआत हुई थी, जो मैंने आपको, द्रविड़ प्रदेश कहते हैं दक्षिण भारत को, और उत्तर भारत तक इसको रामानंद जी लेकर के आए थे। रामानंद जी को पूरा इसका, पूरी तरह से इसका जो है क्रेडिट जाता है। विभिन्न आचार्यों को महत्वपूर्ण, बहुत सारे आचार्य थे उनका इसमें योगदान है। भक्ति काल में भक्ति किस तरीके से रही बेटा, उसे समझने के लिए टेबल को आप समझिएगा। भक्ति काल जो था, भक्ति काल में दो तरह की भक्ति चल रही थी, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति वाले कहते थे कि ईश्वर जो है वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई रूप नहीं। जो सगुण भक्ति वाले थे वो मूर्ति मानते थे, वो मानते थे कि ईश्वर का कोई पर्टिकुलर रूप है। तो निर्गुण भक्ति वाले जो थे वो भी आगे दो भागों में बटे हुए थे, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। निर्गुण भक्ति में जो ज्ञानाश्रय शाखा के कवि थे वो कहते थे कि अगर आपको ज्ञान है तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, जबकि प्रेमाश्रय का शाखा के जो कवि थे वो कहते थे कि अगर आपको सबसे प्रेम है, आपको सबसे प्रेम करना चाहिए तो आप ईश्वर को प्राप्त कर। तो ज्ञानाश्रय का जो शाखा है उसमें मलुक मोहम्मद जायसी का नाम आता है, सूफी कवि थे वो, और उन्होंने जो कि पद्मावत की रचना की थी। और प्रेमाश्रय संत काव्य में कबीर, दादू दयाल, रैदास, गुरु नानक, इन सबका नाम आता है। बेटा एक बड़ी खासियत रही है कि ज्ञानाश्रय कवि जो थे, ज्ञानाश्रय जो शाखा के जो भक्त थे वो बहुत ही सुशिक्षित हुआ करते, पढ़े लिखे होते थे, जबकि प्रेमाश्रय शाखा के जो कवि थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हुआ। इसी तरीके से सगुण भक्ति में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति दो शाखाएँ हो गई। जो लोग राम के भक्त थे वो राम भक्ति कहलाए, और जो कृष्ण भक्ति शाखा के थे वो कृष्ण के भक्त हुआ। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के माने जाते हैं, और कृष्ण भक्ति शाखा के माने जाते हैं मीरा और सूर्य। भक्ति आंदोलन ने सामाजिक चेतना का स्वर अपनाया, कुरीतियां, अंधविश्वास, पाखंड, मिथ्याचार का विरोध होने लगा। सदाचार, परोपकार, सत्य, अहिंसा, सत्संगति, सत्संगति यानी कि अच्छे संतों की संगति, दया, प्रेम, हृदय और आचरण की शुद्धता पर बल दिया जाने लगा भक्ति साहित्य के द्वारा। भक्ति का जो साहित्य लिखा जा रहा था उसमें कुरीतियों का खंडन, अंधविश्वास का खंडन हो रहा था, मिथ्याचार का आरोप विरोध हो रहा था, और अच्छी आदतों को अपनाने पर बल दिया जा रहा था। और साथ ही उपासना, भाषा, साहित्य, संगीत, चित्र, सभी जगह भक्ति दिखाई पड़ रही थी, और संस्कृति के संरक्षण में महती भूमिका इन चीजों ने निभाई। लोग उपासना कहते थे, भाषा में आपको भक्ति दिख रही थी, साहित्य में भक्ति दिख रही थी, संगीत में भक्ति और चित्रों में भी भक्ति दिखने लगी थी, मूर्ति कला में भी भक्ति, नृत्य में भी भक्ति, हर जगह भक्ति ही भक्ति दिखाई पड़ रही। भक्ति का अखिल भारतीय स्वरूप क्या था?
भक्ति के बीज जो मिलते हैं वो वैदिक वाङ्मय में मिलती है। देव देश काल परिस्थिति के अनुसार फैलती सिमटती रही, देश काल परिस्थिति के अनुसार भक्ति जो है वो फैलती सिमटती रही। मतलब कभी ऐसा समय आया कि जब भक्ति बहुत बढ़ गई, कभी ऐसा समय आया कि जब बहुत घट गई, कभी किसी जगह पर बहुत ज्यादा भक्ति थी, किसी जगह पर भक्ति कम थी। ये चीजें रही। मानव जीवन की दो प्रवृत्तियां अति प्राचीन काल से रही है, एक तो जिज्ञासा और दूसरी मोक्ष। मानव जीवन की दो प्रवृत्तियां हमेशा से रही हैं, आज भी हैं। एक तो है जीने की इच्छा और दूसरा मुक्त होने की इच्छा, यानी कि जीना है हमें। ये भी एक बड़ी ही प्राचीन काल से इच्छा रही है कि इंसान के अंदर एक विल पावर बहुत स्ट्रांग है, उसे जीना है। और दूसरा मुक्त होने की इच्छा भी हमेशा से थी और हमेशा से हर कोई चाहता है कि अब हमें जीवन मरण से मुक्त हो। दक्षिण भारत में भक्ति के तीव्र प्रसार में 7वीं और 8वीं शताब्दी में आचार्यों का बड़ा योगदान था। उन्होंने ब्रह्म और जीव के एक की प्रतिष्ठा कर अद्वैतवाद का प्रचार किया था। शंकराचार्य जी के बारे में हमने पढ़ा था, जीव ही ब्रह्म है और अहम ब्रह्मास्मि। ये बेटा शुरुआत में हमने जो पढ़ लिया था वही शंकराचार्य जी है ना, इनके बारे में हम दोबारा से पढ़ेंगे आगे से। आगे शंकराचार्य, इनका कहना था कि जीव ही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि इनका ही स्रोत था। और उत्तर भारत की भक्ति धारा 1240 ईस्वी में महाराष्ट्र पहुंची, यानी कि 1240, जहाँ संत ज्ञानेश्वर प्रसिद्ध संत हुआ करते थे। संत ज्ञानेश्वर नाथपंथी थे और गीता पर ज्ञानेश्वरी व्याख्या इन्होंने लिखी थी, जो कि भक्ति का एक बड़ा ही एक तरीके से ग्रंथ माना जाता है। कर्नाटक में माधवाचार्य जी हुए, बंगाल में चैतन्य महाप्रभु हुए, कृष्ण भक्ति का प्रसार किया इन्होंने। अष्टछाप के कवि जो रहे संप्रदाय थे, जो निरपेक्ष कवि रहे मीरा और रस खान, जिन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रसार किया। और राम भक्ति का किया तुलसीदास और नाभादास जी ने। निर्गुण भक्ति के रहे, जिनका कहना था कि अंतर साधना पर बल रहे, अपने अंदर से साधना करो, ईश्वर का कोई आकार नहीं है, वो कोई उसका कोई आप देख नहीं सकते, उसको आप सिर्फ महसूस कर सकते। चल रही संयमित सात्विक जीवन पर बल दिया। योग की क्रियाओं की बात करते थे दादू दयाल, गुरु नानक, रैदास, सुंदरदास, निर्गुण भक्ति के कवि रहे। भक्ति के प्रसंग में सबसे उपयोगी आचरण की व्यावहारिकता, भक्ति के प्रसंग में सभी के सभी अच्छे आचरण की बात करते हैं, सभी के सभी भक्त। सबके पीछे सिद्धांत पक्ष जो है वो दर्शन है, यानी कि जितने भी सिद्धांत हैं उनके हर भक्त के जो सिद्धांत हैं वो उसका दर्शन करता है। आज मानव जीवन संघर्षपूर्ण है, कर्मशील व्यक्ति ही सफल होगा, ये सबकी मान्यता थी। सभी ने जो एक तरीके से परोपकार को, सच को, अहिंसा को, इन सभी को अपना धर्म माना, सभी के सभी भक्त। ये हमने कर लिया था। आगे है भारतीय भक्ति परंपरा और मानव। संत अक्क महादेव जो हम पढ़ रहे थे बेटा, अभी हमने दो संतों के बारे में पढ़ लिया था। यहाँ पर देखिए के बाद आचार्य पढ़ लिए थे हमने, आचार्य को पढ़ लिया था। के बाद हमने जो भक्ति है, भक्ति का कंसेप्ट हमने पढ़ा, आचार्य हमने देख लिए, सभी के शरीर को आप देख लीजिएगा रिपीट करके। उसके बाद प्रमुख भक्तों में हमने संत तिरुवल्लुवर को पढ़ा था और उसके बाद हमने आंडाल को पढ़ा, आंडाल को हमने पढ़ लिया था। इसके बाद आंडाल के विचार देख लिए थे, इसके बाद हम पढ़ेंगे अग्र महादेव। अग्र महादेव भारत की प्रमुख भक्त कवि रही हैं। कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। अपने माता पिता की एक लौती संतान थी और इन्होंने भी ईश्वर को अपना पति चुना मीराबाई की तरह से। और मन सलोने चैन मल्लिकार्जुन शिव पर इन्होंने जो है लिखा था और इष्ट इनके शिव हुआ करते थे। जैसे मीराबाई कृष्ण की भक्त थी, ऐसे ही ये श्री शिव की भक्त। शिव की आराधना ही इनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य हुआ करता था। ये बहुत सुंदर हुआ, बहुत सुंदर थी ये। तो उस समय राजा थे, उन्होंने इनसे राजा जो है विवाह का प्रस्ताव रखा, इन्होंने मना कर दिया। पर उन्होंने राजाज्ञा इनको दे दी, राजा की आज्ञा का ये विरोध नहीं कर सकती थी। इन्होंने राजा के कारण विवाह किया उनसे, लेकिन बाद में इन्होंने अपने पति को त्याग दिया था। राजमहल से निकल करके शिव को खोजने लगी थी और मीरा की तरह से ये शिव में एकाकार हो गई थी, शिव में ही लीन। इनकी कृतित्व जो है लगभग 400 वचन इनके मिलते हैं, जो कि यांगांग कहलाते हैं, त्रिपदी छंद में मिलते हैं। सृष्टि वचन कहा जाता है, कोई अलग से कोई बुक नहीं है, इनके 400 वचन ज्ञात हैं। भक्ति इनकी माधुर्य भाव की है, यानी कि श्रृंगार भाव की भक्ति है इनकी। विचार है इनके शिव की आराधना करो, ईश्वर से मिलन होगा। और माया जन्य चुनौतियों का ये वर्णन करती है कि माया की वजह से कौन कौन सी चुनौतियां आपके जीवन में आ रही। इसके बाद हमारे यहाँ कवि हुई, भक्त कवि हुई मीराबाई, मध्यकाल में ही थी ये भी।
कृष्ण भक्ति कवियत्री थी, माधुरी भाव का इन्होंने काव्य रचा, यानी कि श्रृंगार भक्ति थी इनकी। राजस्थान की राधा कहा जाता है इनको। रचनाएं हैं इनकी राग गोविंद, गीत गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, मीरा पदावली, राग सोठा इन्होंने रचे। इनकी पदावलियां बहुत प्रसिद्ध है। मीराबाई के पद आज भी लोग जगह जगह गाते हैं। भक्ति में भावना और श्रद्धा का सामंजस्य जरूरी है, ऐसा इनका मानना है। इनका जन्म 1561 के आसपास माना जाता है, 1561 के आसपास बेटे मेड़ता से कुछ दूर कुड़की गांव में इनका जन्म हुआ, ऐसा माना जाता है। मेड़त या राठौर वंश में जन्मी थी। राव दूधा के तीसरे पुत्र की इकलौती पुत्री थी। 2 वर्ष की आयु में इनकी माँ का देहांत। इनकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई थी, कोई विधिवत शिक्षा नहीं हुई थी। इनके परिवार में भक्तिमय वातावरण हुआ करता, परिवार में ही भक्ति का माहौल था। तो विवाह इनका जो हुआ वो चित्तौड़ के राजा भोजराज के पुत्र, चित्तौड़ नरेश के पुत्र भोजराज से इनका विवाह हुआ था। और बाद में भोजराज का जब निधन हो गया तो इन्होंने सती होना अस्वीकार कर दिया था कि मैं सती नहीं होंगी, क्योंकि मेरे तो पति श्री कृष्ण हैं जो कि अचर हैं, और मतलब कि एक तरीके से वो हमें जो अमर हैं, तो मैं सती क्यों हूँ, ऐसा कहते वहाँ से चली गई थी और श्री कृष्ण की सेवा में पूरी तरह से लीन हो गई। इसके बाद ये वृंदावन चली गई थी, फिर वहाँ से द्वारका गई, रणछोड़ जी के मंदिर में ये भजन कीर्तन किया करती थी और वहीं पर ही अंतर ध्यान हो गई थी और वहीं से ये श्री कृष्ण में लीन हुई थी, ऐसा माना जाता है। जिनका निधन 1615 से 1620 में हुआ, 1615 से 1620 के बीच में। कुल इनकी कुछ पूरी कुछ अधूरी कुल 11 रचनाएं मानी जाती हैं और सूट पद इनके प्रमाणित। पहले भक्त थी ये, फिर कवियत्री थी। भाषा इनकी ब्रज राजस्थानी का मिश्रित रूप मिलती है, कहीं कहीं गुजराती पंजाबी खड़ी बोली और पूरब का संकेत भी इनकी भाषा में मिलता है, यानी कि ये जगह जगह गई और वहाँ से इनकी भाषा में वहाँ के शब्द आते चले। तरीके से इनकी भाषा को सदुखड़ी भाषा कह सकते। मुहावरों का काफ़ी इस्तेमाल है इनकी भाषा में, जगह जगह भाषा का प्रभाव भी मिलता है। जहाँ जहाँ गई भाषा वहाँ की भाषा का इनकी भाषा में प्रभाव मिलता है। और सहज अलंकारों का प्रयोग किया इन्होंने, लयात्मकता है मतलब रिदम है इनके काव्य में, सहज है, कोई आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते हैं उसको गाने के। और शास्त्रीय नियमों में कभी नहीं बंधी इन्होंने, बिल्कुल सहज भाषा में लिखा, कभी भी अपने आप को ज्ञानी साबित करने की कोशिश नहीं। कृष्ण भक्ति, माधुर्य भक्ति से इनके श्रृंगार भक्ति जिसे कहते हैं, स्वामी इनके आराध्य थे श्री कृष्ण। अविनाशी, ऐश्वर्यशाली और लीलामय उन्हें कहा करते थे कि अविनाशी हैं, इनको कभी भी खत्म नहीं होंगे। ऐश्वर्यशाली है यानी कि बहुत शान शौकत वाले हैं और लीला करते हैं। सगुण भक्ति थी, ये श्री कृष्ण से मूर्ति को देखा करती थी। गोपी भाव की भक्ति थी, अपने आप को गोपी माना करती थी और अपने आप को ललिता नाम की गोपी का अवतार ये बताया था। एक निष्ठ प्रेम था इनका, सिर्फ कृष्ण की भक्ति करती थी, बाकी ये किसी को नहीं जान। इसके बाद श्री तुलसीदास जी के बारे में जाने, राम भक्त थे, सगुण भक्त थे ये भी, रामचरित मानस के रचयिता हैं जो आज भी घर में पढ़ी जाती है। काव्य परंपरा के आधार स्तंभ इनको माना जाता है। इनके जीवन व्रत के बारे में भी एक मत नहीं है, बहुत से लोग अलग अलग इनका जन्म स्थान और जन्म का समय बताए। 1589 इनका जन्म वर्ष माना जाता है, 1589, और राजापुर या सोरो दोनों में से किसी एक जगह माना जाता है कि इनका जन्म हुआ था। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की थी, जबकि इनके प्रामाणिक ग्रंथ जो कि सर्टिफाइड हैं 12 माने जाते हैं। राम कथा का इन्होंने गायन किया। रामचरित मानस जो है इनके उच्च आदर्श की सुंदर संकल्पना है, मतलब कि रामचरित मानस इनकी बेस्ट कृति मानी जाती है और मूल वर्ण्य विषय श्री राम ही है। इनसे राम कथा लिखने वालों में सबसे ऊपर इनको माना जाता है और राम कथा को इन्होंने घर घर पहुँचाया, इस बात का क्रेडिट भी श्री तुलसीदास जी को। राम की प्रीति में ही इनका भक्त जो है जीवन कटा, राम की प्रीति को इन्होंने भक्ति कहा है और राम के सगुण और निर्गुण रूप इन्होंने स्वीकार किए हैं कि राम सगुण भी और निर्गुण भी। श्रद्धा पूर्वक स्मरण पर ये बल देते हैं, श्रद्धा के साथ आप उनको स्मरण दें। भक्ति के 5 भाव जो हैं, श्रृंगार, वात्सल्य, दास्य, सख्य और शांत, 5ों भाव इनके लेखन में दिखाई पड़ जाते हैं, कहीं भी श्रृंगार की अभिव्यक्ति नहीं मिलती। दास्य सख्य शांत भाव की भक्ति मिलती है, जैसे 5 भाव हैं श्रृंगार के, श्रृंगार वात्सल्य दास्य सख्य शांत, इसमें से दास्य सख्य शांत भाव की भक्ति का इनके इसमें लेखन में मिलता है। कविता का मूल पक्ष जो है कवित्व है इनकी, वही इनकी शक्ति है, तो कविता एक तरीके से इनको गाया जा सकता है इनके लेखन को। अवधि और ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा है, रामचरित मानस अवधि भाषा में है और इनकी जो कविता जो अलग ग्रंथ है विनय पत्रिका और कविता बड़ी वो ब्रज भाषा में है। साथ में संस्कृत के भी इनको पूरा ज्ञान था, संस्कृत का भी इनकी जगह जगह ग्रंथों में जो है समावेश मिलता है। आगे से कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के स्तंभ थे, निर्गुण निराकार की उपासना करते थे। अज्ञानता और अंधविश्वास का काल माना जाता है इनको।
वो समय था कि जब अज्ञानता फैली हुई थी, अंधविश्वास फैला हुआ था, उस समय कबीर हुए। हिंदू मुस्लिमों का काल था, हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ रहे थे। उस समय के भक्त कवि समाज सेवक और चिंतक कबीर हुए, जिनका जन्म 1455 में या 1575 में माना जाता है। पढ़े लिखे नहीं थे ये ज़्यादा, शिष्यों ने लेखनीबद्ध किया इनको, जो कुछ सुना इनका बोला हुआ उसको बाद में शिष्यों ने लिख करके उसको एक तरीके से कलमबद्ध किया था। इन्होंने साखी सबद रमैनी के रूप में अपना काव्य रचा। विचारधारा इनकी जो मूल रूप से भक्त थे, गुरु को ऊंचा स्थान देते थे हमेशा से। तो ये देखिए यहाँ पर तालिका आ गई, मैंने जो कहा था कि तालिका मैंने ली है, तो हम बाद में देख लेंगे। मुहावरों का इन्होंने काफी प्रयोग किया है, जगह जगह की भाषा का इनका प्रभाव पड़ा। ये भी घुमक्कड़ थे, जगह जगह जाते थे तो वहाँ की भाषा का इनके बोले में, इनके काव्य में भी प्रभाव आता गया। इन्होंने बहुत सारे अलंकारों का भी खूब इस्तेमाल किया है। लयात्मकता सहजता, इनके जो काव्य है उसे आप गा सकते हैं, आसान भाषा है और किसी शास्त्रीय नियम में ये भी नहीं बन। हाँ जी, कबीर दास जो थे गुरु को ऊंचा स्थान देते थे। जीव और ब्रह्म एक है इनका कहना ये था, संसार नश्वर है ये कहते थे कबीर दास जी। अज्ञान को इन्होंने माया कहा, माया ईश्वर प्राप्ति में बाधक है ये भी ये कहते थे। सामाजिक विचारधारा, समाज के बारे में इन्होंने आडंबरों का विरोध किया। माला फेरना, तिलक छापा, तीर्थ व्रत का इन्होंने खंडन किया, जाति पाति का खंडन किया। युग दृष्टा महात्मा थे, इनकी वाणी थोड़ी तीखी थी, खराब बोलते थे, बहुत से लोग बुरा मान जाते थे। इसके बाद संत रैदास जी को पढ़ेंगे हम, जिनका नाम रविदास भी जाना जाता है कई जगह पर। मध्यकालीन संत काव्यधारा के कवि थे ये, संत कवि दार्शनिक और समाज सुधारक थे, कुरीतियों के विरुद्ध थे ये भी। कबीर के समकालीन रहे, पिता इनके संतोख दास थे और माता इनकी कलसा देवी थी, पत्नी इनकी लोना देवी थी। जूते बनाने का काम किया करते थे रैदास, पूरी लगन से अपना काम करते थे। रैदासी रविदासी पंथ इनके लिखे हुए रचनाएं हैं। धरती पर सब समान हैं और सबको समान अधिकार हैं ये इनकी मान्यता थी। सबको ईश्वर ने रचा है, साधु संप्रदाय इनका माना जाता है रैदास जी का। शिक्षा इनकी कोई नहीं, ऐसा है जो शिक्षाएं मौखिक ही मिलती हैं, ग्रंथ नहीं मिलते हैं इनके कोई भी। आदि गुरु ग्रंथ साहब में लगभग 40 इनके पद मिलते हैं, ग्रंथ साहिब में, गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास जी के 40 पद मिलते हैं। कबीर की तरह ये व्यंग्य नहीं करते। प्रेम की पीड़ा इनके पदों में दिखती है, रहस्यवादी प्रवृत्ति दिखती है, आडंबरों का ये विरोध। ये थे संत रैदास। अब हम पढ़ेंगे संत गुरुदास जी के बारे में। सिखों के आदि गुरु थे, सभी को मालूम है बेटा। अनुयायी विभिन्न नामों से इनको पुकारते हैं। दार्शनिक थे, योगी थे, गृहस्थ थे, धर्म सुधारक थे, कवि और देशभक्त। ऐसे संत जिन्होंने धर्म, समाज, देशभक्ति सभी क्षेत्रों में क्रांति की। रचनाओं में नारी को सम्मान देते थे। इनके पहले के संत अपने चिंतन में लीन रहते थे, लेकिन वो समाज सुधार की तरफ कोई ध्यान नहीं देते थे, लेकिन गुरु नानक जी ने समाज की तरफ भी पूरा ध्यान दिया। राष्ट्र की बात ले ली, जब राष्ट्र की बात आई तो वहां भी इन्होंने पूरा सहयोग। जीवन परिचय, राम मोरी की तलवंडी, लाहौर में पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। वहां से 40 किलोमीटर दूर ननकाना साहिब जगह है लाहौर पाकिस्तान से, वहां पर इनका जन्म हुआ था ननकाना साहिब में। इनकी शुरू से कोई खेल कूद में रुचि नहीं हुआ करती थी। हिंदी, ब्रजभाषा, संस्कृत, फारसी, पंजाबी के ज्ञाता थे ये, भाषाओं के विद्वान थे, सहृदय थे, इनके इमोशनल पर्सन थे, आत्मचेतन थे, कॉन्शियस इनका जगा हुआ था। सच्चा सौदा बताते थे दान पुण्य को। विवाह इनका सुलक्षणा नाम की लड़की से हुआ था, पुत्र इनके थे श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। यात्राएं इन्होंने बहुत की, पाखंड का खंडन करते थे और 60 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु भी हो गई। इनका साहित्य वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में मिलती है। इनकी शब्द और श्लोक में संकलित है चपू जी आशा की वार, पट्टी आदि इनकी रचनाएं मिलती हैं। भावों की सघनता है जिसमें बहुत ही इमोशनल रचनाएं हैं। प्रेम विरह की मार्मिक व्यंजना है और जपू जी सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ इनकी रचना है, इनकी रचना मानी जाती है। विचारधारा थी इनकी, सिख धर्म के प्रवर्तक थे, सिख धर्म की स्थापना की थी इन्होंने। सिख संप्रदाय की विचारधारा थी इनकी उदार सहज। दसवें गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, उससे पहले सभी के सभी इसी विचारधारा को मानते थे। सामाजिक आध्यात्मिक विचार कबीर वाणी जैसे थे इनके, लेकिन ईश्वर परम सत्ता है, जो सत्य है उसी का समर्थन करो, सेवक के लिए सेवा ही धर्म है, सर्वधर्म संभाव सर्वोपरि है, सभी धर्मों को समान मानो, वही ज्ञानी है जो मनुष्य मात्र को माने, मनुष्य को मनुष्य माने। आत्म परिचय, अपने आप को पहचानो, गुरु सदगुरु सबसे ऊपर है, गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए, ये सब इनकी शिक्षाएं हुआ कर। परमात्मा एक है, उसकी अनुभूति गुरु की कृपा से ही हो सकती है। परमात्मा के अनेक गुण, सृष्टि अनादि है,
यानी कि सृष्टि कभी खत्म नहीं होती है, कभी शुरू भी नहीं हुई है। माया परमात्मा से स्वतंत्र नहीं, कहीं हर्ष कहीं शोक कहीं इनका मिलता है पूरी तरह से। नानक की वाणी में ऊंच नीच जात पात कहीं नहीं मिलता है। शरीर में से ज्योति की पहचान करो, ऐसा ये कहते थे। जो प्रभु को भूल जाए वो हीन व्यक्ति है, और अत्याचारी आक्रमणकारी की वो निंदा करते थे। मानवतावादी दृष्टिकोण रहा इनका, विश्व मैत्री की यानी कि वसुधैव कुटुंबकम ये बात करते थे। एक ओंकार कभी आप पढ़ेंगे उसका मीनिंग समझिए बेटा, आपको नानक के सारे विचारों के बारे में पूरी तरह से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। भाषा में इनके ब्रज अवधि मगधी अपभ्रंश फारसी अरबी ये सारी की सारी भाषाओं के शब्द मिलते हैं। सहज बिल्कुल उसी टाइम की आम बोलचाल की जो भाषा थी उसी में इन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है। मुहावरे लोकोक्तियों का इन्होंने खूब इस्तेमाल किया, लेकिन इनका मकसद कभी भी अपने आप को पांडित्य प्रदर्शन नहीं था, यानी कि अपने आप को विद्वान साबित करने की इन्होंने कभी कोशिश नहीं। इसके बाद हम पढ़ेंगे जायसी और सूरदास को। जायसी मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं, जिसको भक्ति काल के चार आधार स्तंभों में से एक माना जाता है। जायसी भक्त कवि थे, इनके जीवन व्रत में विभिन्नता मिलती है। बहुत से लोग अलग अलग टाइम इनका बताते हैं, लेकिन सब माने हैं कि 1464 में यानी कि 1464 में पैदा हुए और 1542 में ये इनकी मृत्यु हो गई। इनका खुद का जो आखिरी कलाम लिखा हुआ है उसमें इनके जन्म के बारे में पता चल। रायबली का खुद मोहल्ले में इनका यूपी में जन्म हुआ था ऐसा माना जाता है, और आपदा में इनका पूरा परिवार समाप्त हो गया था शीतला के प्रकोप से। शीतला बोलते थे बेटा चेचक की बीमारी को, इनके एक आंख और एक कान की शेप बिगड़ गई थी। जीवन इनका चुनौतीपूर्ण रहा हमेशा। तो शेर शाह के शासनकाल में ये वहाँ पर उनके एक जैसे दरबारी कवि ये रहे। इनकी रचनाएं रही पद्मावत जो कि सूफी काव्यधारा का रहा है, ये 1540 में रचा गया था। अखरावट आखिरी कलाम कहरनामा कान्हावत पोस्तीनामा होलीनामा इन सब की इन्होंने रचनाएं। सूफी कवि थे, इस्लाम की बेशरा शाखा के कवि ये माने जाते हैं। आचरण इनका पवित्र और प्रेम मार्गी ये कवि रहे। इश्क मजाजी इश्क हकीकी ये बात करते थे। इश्क मजाजी यानी कि दुनिया में सबसे प्रेम करो, और इश्क हकीकी यानी कि अलौकिक जगत जो इस दुनिया से बाहर है, जो ईश्वर है जो अल्लाह है उससे भी प्रेम करो। विचार थे इनके, प्रसिद्ध सूफी संत कवि थे। भारतीय संस्कृति और दर्शन का इनके काव्य पर पूरा प्रभाव दिखता है। हालांकि मुस्लिम थे तब भी यहाँ की संस्कृति का यहाँ के दर्शन का इनके लेखन पर पूरा प्रभाव पड़ता है, और यहाँ की सांस्कृतिक समन्वय यानी कि हिंदू संस्कृति और इस्लामिक संस्कृति का इन्होंने एक तरीके से कोऑर्डिनेशन किया था। समन्वयवादी इनका दृष्टिकोण था, यानी कि दोनों को मिला जुला के चलने वाली इनकी सोच। इस्लाम के ढांचे से भारतीय वेदांत की मान्यताओं को समन्वय किया, इन्होंने इस्लाम के ढांचे से भारत की जो मान्यताएं थी उनको मिलाने की इन्होंने कोशिश की, और भारतीय लोक कथाओं से इन्होंने सूफी दर्शन को प्रस्तुत किया था, और अरबी की जगह इन्होंने अवधी भाषा का इस्तेमाल किया लेखन। अलौकिक प्रेम लौकिक प्रेम से शुरू होता है ऐसा इनका मानना था, यानी कि ईश्वर से प्रेम करना है तो पहले संसार में जितने लोग हैं उनसे प्रेम करना शुरू। सूफी विचार का सार ही मानव प्रेम है। सूफियाना जो है जो प्रेम है सूफियाना जो भक्ति है वो मानव प्रेम से ही शुरू होती है, और प्रेम में मानव के साथ प्रकृति भी हिस्सेदार होती है, यानी कि मानव से ही नहीं बल्कि प्रकृति से भी प्रेम करो ये इनकी शिक्षा है। बाद में पढ़ेंगे सूरदास जी के बारे में। हिंदी काव्य जगत के सूर्य माने जाते हैं, भक्ति काल के महाकवि थे, कृष्ण भक्ति के प्रधान कवि रहे। जीवन काल इनका 1478 यानी कि 1478 से 1583 के मध्य माना जाता है। जन्म स्थान इनका रुनकता ब्रज क्षेत्र माना जाता है, सिंघी ब्रज क्षेत्र में। कुछ लोग कहते हैं जन्मांध थे ये, बहुत से लोग मानते हैं कि जन्म से अंधे थे। बहुत लोगों का कहना है कि इनकी दृष्टि जो है बाद में गई थी। माना जाता है कि 25 ग्रंथ इन्होंने लिखे जिनमें से 16 ही सर्टिफाइड। सूर सागर सूर सारावली साहित्य लहरी ये इनके लिखे हुए ग्रंथ हैं, जिसमें सूर सागर को कालजयी माना जाता है, जिसमें 5000 पद है। कृष्ण जन्म से मथुरा गमन तक की जिसमें कथा इन्होंने पूरी लिखी। बाल लीला वंशीवादन गोचारण गोचारण यानी कि गायों को चराना, रामलीला रासलीला रासलीला भ्रमर गीत लीला प्रबंध कवि ने लिखे हैं। वात्सल्य के सम्राट कवि माने जाते हैं सूरदास जी। बाल कृष्ण के उपासक भक्त कवि रहे, ये कृष्ण भक्ति शाखा के शिखर भक्त कवि रहे। कृष्ण का इन्होंने मधुर चित्रण किया है, प्रेम की विराट संकल्पना प्रस्तुत की है, प्रेम की स्वच्छंदता ब्रज भाषा का बहुत सुंदर इस्तेमाल है। संत नामदेव जीवन काल इनका माना जाता है 1270 से 1320। जन्म इनका महाराष्ट्र के दर्जी परिवार में हुआ। बचपन में साधु संतों की संगति से ये शुभ बालक कहलाते थे। उसके बाद बहुत कुछ इन्होंने सीखा, हठी प्रवृत्ति के जिद्दी बालक थे, ये परम भक्त हुआ। तो भक्ति भाव जो थी उम्र के साथ साथ बढ़ती चली गई।
जात पात ऊंच नीच का खंडन करते थे और सिर्फ भक्ति को ही धर्म, जिन्होंने ज्ञानेश्वर के बाद उत्तर भारत में प्रस्थान कर लिया था। रचनाएं थी इनकी, गुरुवाणी में इनके 61 पद मिलते हैं, हस्तलिखित पोथियां मिलती है जिनमें इनकी साक्षियां मिलती हैं, गुरु के प्रति श्रद्धा और निर्गुण उपासना की बात है। संत योगिनी लैला दियर जम्मू कश्मीर की थी बेटा, ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। माना जाता है कि 1320 से 1391 इनका जीवन काल रहा। बाल्यावस्था में इनकी मतलब बचपन में ही शादी हो गई थी। सांसारिक बंधनों से विरोध भाव इनका रहा, मतलब कि सांसारिक बंधनों को स्वीकार नहीं करती, धर्म दर्शन योग के ज्ञान से इनको और बचपन से ही चिंतन में डूबी रहती थी। वैराग्य हो गया था इनको और विवाह भी इनका कोई शादीशुदा जिंदगी भी इनकी अच्छी नहीं थी, वो भी इनके लिए वेदनापूर्ण। भक्ति भावना इनकी, भक्त कवित्री थी, कश्मीरी भाषा की विद्वान थी, कश्मीरी को संस्कृत से जोड़ करके इन्होंने लोक जन की भाषा में अपने मनोभाव प्रस्तुत, संस्कृत और कश्मीर को इन्होंने कश्मीरी भाषा को जोड़ा था। अपनी भक्ति से प्रभु प्राप्ति का मार्ग खोजा और वाक इनके बहुत प्रसिद्ध हैं बेटा। वाक का मतलब होता है वाणी बोली, वाक जैसे हम कबीर के दोहे पढ़ते हैं, साखियां पढ़ते हैं, उसी तरीके से इनके कश्मीरी भाषा में वाक है। इनका मानना था कि ईश्वर एक है और वही परम सत्य। दीक्षा गुरु से लेकर के वेद धर्म और शास्त्र मुंह से उच्चारित श्लोकों के इन्होंने कवि कश्मीरी भाषा में किया। ईश्वर कण कण में विराजमान है और कर्म कांड मूर्ति पूजा का विरोध करती रही, बाह्य आडम्बर का विरोध। गुरु से दीक्षा ली थी इन्होंने, वेद धर्म और शास्त्रों की ज्ञाता थी। अब हम पढ़ेंगे कुंचन नामग्याल, वेमना और सारलादास। कुंचन नामग्याल का जन्म 1705 में हुआ, 1748 तक इनका जीवन काल माना जाता है। केरल परिवार में इनका जन्म हुआ था, द्रविड़ भाषा मलयालम की ये ज्ञाता थी। ईश्वर भक्ति के साथ साथ काव्य अभिनय नर्तन भी ये करते थे। तो तुल्लल का मतलब होता है, तुल्लल एक नृत्य होता है वहां का, मनोरंजन करना जिसका मकसद होता है, कटाक्ष नहीं होते हैं, व्यंग्य नहीं है। नामब्यार ने 40, कुंचन नामब्यार इनका पूरा नाम है बेटा, इन्होंने 40 कथाएं लिखी और इनके विचार थे कि सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। सरल मधुर शब्दावली इन्होंने इस्तेमाल की है, हमेशा ही जाति प्रथा और धार्मिक आडंबर धनी निर्धन का खंडन किया इन्होंने और सभी जातियों के मध्य आत्मा एक ही होती है ऐसा इनका कहना था कि जितने भी मोती पिरोए जाते हैं उनके बीच का जो धागा होता है वो एक ही होता है, सबको रचने वाला ईश्वर एक ही। इनकी रचनाएं थी श्री कृष्ण चरितम और मणिप्रावलम, इनकी रचनाएं। अब जानेंगे हम वेमना के बारे में। वेमना का जीवन काल माना जाता है 1652 से 1725, यानी कि 1652 से 725। तेलुगु भाषा भाषी निर्गुण संत हुए हुई है, तेलुगु भाषा आती थी इनको, तेलुगु भाषा में इन्होंने साहित्य रचा, निर्गुण संत थे। इनके जीवन पथ के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं है। संपन्न रेडी परिवार में इनका जन्म हुआ, संतान इनकी नालायक रही इस कारण ये बहुत दुखी रहे, पत्नी से प्रेम न मिलने के कारण ये वैरागी हो गए थे, विरक्त होकर के नग्न घूमने लगे थे, पामरू की गुफाओं में जीवन गुजारा इन्होंने अंत समय तक। इनकी वाणी का संग्रह शिष्यों ने बाद में किया, 5000 से अधिक पद इन्होंने पूरे थे, जिनमें से 2000 आज भी उपलब्ध हैं। श्री राम के ये भक्त हुआ करते थे। इनका कहना था कि सभी लोग समान हैं, सभी वर्ण समान हैं। उस समय वेश्यागमन चरम पर था, जो पुरुष थे वो वेश्याओं के पास बहुत जाया करते थे, इसलिए इनके श्लोकों में इनके ग्रंथों में नारी निंदा बहुत मिलती है। माता पिता का सम्मान, भ्रष्ट समाज के प्रति विद्रोह और कुरीतियों पर व्यंग्य बहुत किए हैं इन्होंने। इनकी तुलना कबीरदास जी से वेमना। अब हम पढ़ेंगे सारलादास जी के बारे में। इनका जन्म हुआ उड़ीसा में, इनका भी जीवन व्रत उपलब्ध नहीं है, यानी कि कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, बाकी ज़्यादा डिटेल नहीं है। इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में भी ज़्यादा ज्ञात नहीं है। इनका ज्ञान जो था अनुभव आधारित, मतलब एक्सपीरियंस लर्निंग थी। शुरुआत में सेना में भी रहे, बाद में सरस्वती साधना में लीन हो गए। उड़िया भाषा के पहले कवि माने जाते। रचनाएं थी इनकी महाभारत, विलंका रामायण, चंडीपुरा। संस्कृत नहीं आती थी इनको, लेकिन उड़िया भाषा के ज्ञानी थे, सरल विनम्र थे और जीवन इन्होंने हमेशा त्याग नहीं। आजीवन दरिद्र रहे, गरीब रहे, ये कृषि कार्य करते रहे, साधना करते रहे। उड़ीसा के धर्म परिवर्तन से बचा, उड़ीसा को इन्होंने धर्म परिवर्तन से बचा के रखा। बहुत समय तक इस्लामिक जब आक्रमण हो रहे थे, उस वक्त इन्होंने उड़ीसा को धर्म परिवर्तन से बहुत बचाया। स्त्री शक्ति की आराधना करते थे, महिला सशक्तिकरण की ये समर्थन करते थे और राम के प्रशंसक। संत तुकाराम जी 1608 से 1640 इनका जीवन काल माना जाता है। महान संत कभी हुए थे और भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं।
जन्म इनका पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। वहेबा कनकाई इनके माता पिता थे। पत्नी इनकी जीजाबाई थी। मौखिक अभंग वाणी इनकी मिलती है, ग्रंथ मिलते नहीं है इनके, ज्यादा मन से भाग्यवादी थे। काव्य भी इनका भाग्यवादी मिलता है, निराशा और विफलता का काव्य है सारा का सारा इनका। संसार का त्याग करो ऐसा ये कहते, परमार्थ के शाश्वत सुख के प्रयत्न करते थे, ईश्वर की संतान मानते थे सभी को, और समानता के सिद्धांत की बात करते थे कि सभी लोग समान। अब जानेंगे हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में। भक्ति काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। 1485 से 1533 इनका जीवन काल माना जाता है। ये नवद्वीप वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ। पत्नियां इनकी थी लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया। लक्ष्मी प्रिया को सांप ने काट लिया था, मृत्यु हो गई थी, इस पर इनका विवाह विष्णु प्रिया से हुआ। सगुण भक्ति के कवि थे जगन्नाथ मिश्र। शची देवी इनके माता पिता थे। प्रतिभा संपन्न थे, सरल सुंदर थे, ये भावुक थे, बहुत इमोशनल पर्सन थे। न्याय और व्याकरण में पारंगत, देखिए लॉ भी जानते थे और व्याकरण में भी एक्सपर्ट थे। रामकृष्ण के भक्त हुआ करते थे, भक्ति को बहुत महत्व देते थे, हरिनाम को महत्व देते थे। इनका कहना था कि भ्रमण नहीं करना चाहिए और ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे, इसलिए हमें भक्ति। चंडी दास जी बांग्ला कवि हुए। 1300 इनका जन्म हुआ। 1430 तक रहे, 130 साल की उम्र तक ये जिए, ऐसा माना जाता है कि इसी बीच में कहीं ना कहीं ये रहे। वैष्णव पदावलियों की इन्होंने रचना की, 200 से ज़्यादा पद इन्होंने रचे, और बंगाली कविता के जनक इनको कहा जाता है, बंगाली कविता के कवि माने जाते हैं। पहले पहले ये बंगाली वैष्णव समाज में इनका काफ़ी नाम है। प्रेम भक्ति की धारा है और पगला चंडी भी इन्होंने कहते हैं। श्री कृष्ण कीर्तन इनकी अधूरी रचना है बांग्ला भाषा में। नरसिंह मेहता गुजराती भक्त कवि है जिनका काल 1440 से 1480 माना जाता है। गुजरात में रही है और कृष्ण दामोदर इनके पिता थे। पत्नी इनकी माणिक बाई। दो संतानी हुई, गृहस्थी में इन्होंने खास कोई ध्यान दिया नहीं। श्यामल दास नो विवाह हारमाला इनकी रचनाएं हैं। श्री कृष्ण भक्त हुए ये, वैष्णव भक्त थे ये। आम बोलचाल की भाषा में इन्होंने काव्य। और शंकर देव 1449 में असम में हुए ये। कुसुम्बरा सत्य संध्या के माता पिता थे। प्रतिभाशाली थे, होनहार थे। पत्नी इनकी थी सूर्यवती। कवि नाटककार समाज सुधारक रही है। हरिश्चंद्र आख्यान इनका लिखा हुआ है और अमृत मंथन इनका लिखा। मानव मूल्य का ये हमारा यहाँ पर खत्म हो जाता है। आखिरी तीसरी इकाई यहाँ से हमारी शुरू हो गई। मानव मूल्य का क्या है? मानव मूल्य कहते हैं जो मूल में है, प्रतिष्ठा के योग्य है, विवेक हमारा समाज में रहते हुए जो हमारे लिए उपयोगी है और समाज को भी नुकसान ना पहुंचाए। समाज में रहते हुए हम भी सुख से रहें और समाज को भी कोई नुकसान ना पहुंचाए, वो सभी कुछ मूल में है। वो सभी की चीजें मूल्य कहना है, जिससे मंगल भावना का विस्तार हो, मूल्य है मानव मूल्य। लेकिन सदैव समान नहीं रहते मानव मूल्य, देखिए देश काल परिस्थिति के अनुसार बदल जाए। जो भारत में मूल्य कहलाएंगे हो सकता है वो किसी और देश में मूल्य ना कहलाए। जैसे हमारे यहाँ शराब पीना गलत माना जाता है, लेकिन जो बहुत से देश है जो बहुत ठंडे हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, जहाँ इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि लोगों की एक तरीके से एक ठंड के मारे बहुत बुरी हालत होती है, वहाँ पर उनके लिए ड्रंक करना मजबूरी है, अपनी बॉडी को गर्म करना। इस तरीके से हमारे देश में भी मांसाहार सही नहीं माना जाता है, लेकिन कुछ प्रदेश ऐसे हैं जैसे कि समुद्र के किनारे के ही क्षेत्र हैं, वहाँ पर उनकी मजबूरी है मछली खाना, तो उनके मूल्य वहाँ पर वो बदल गए। ऐसे समय के साथ बहुत सी चीज़ें पुराने समय में सही मानी जाती थी, जैसे कि राजा थे शिकार करने जाया करते थे, उस समय का मूल्य था क्योंकि राजाओं को अपनी एक तरीके से प्रैक्टिस हुआ करती थी युद्ध करने की, उनकी एक तरीके से एक करेज उनके अंदर आता था, हथियार चलाने की प्रैक्टिस होती थी, हथियार चलने का आत्मविश्वास आता था। लेकिन आज किसी भी जीव की हत्या करना मूल्य नहीं माना जाता। तो इस तरीके से देश काल परिस्थिति के अनुसार कोई सैनिक है वो अगर किसी दूसरे देश के सैनिक की हत्या करता है तो हम उसके लिए खुश होते हैं, अरे उसने मार दिया। लेकिन कोई आम व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति की हत्या करेगा तो वो मूल्यों के अंदर नहीं आता है, मानव मूल्यों के अंदर तक नहीं आता। तो इसलिए मानव मूल्य हर किसी के लिए हर जगह पर हर देश में हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं, परिस्थिति के हिसाब से, समय के हिसाब से और जगह के हिसाब से मानव मूल्य बदलते हैं। लेकिन दया करना, करुणा, प्रेम, सहनशीलता, सत्य, अहिंसा, मैत्री, सहृदयता, ये शाश्वत माने हुए मूल्य कहलाए जाते हैं जो हर जगह सही है। मतलब कि दया करना चाहिए ये हमेशा सही है,
करुणा हमारे अंदर होनी चाहिए हमेशा, सही, हमें सबसे प्रेम करना चाहिए, यह हमेशा सही है, हमें सहनशील होना चाहिए, सही है, सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा रखनी चाहिए, सबके साथ मैत्री भाव रखना चाहिए, ये शाश्वत मानवीय है। जैसे कि लेकिन कोविड में सामाजिक दूरी रखनी पड़ी, वो परिस्थिति के हिसाब से बदल गई। समाज में हमें सबके साथ प्रेम से मिलजुल के रहना है, लेकिन ये हमारी क्यों बदली? जब कोविड आया बेटे तो सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग वो मूल्य बदल गया। समाज द्वारा स्थापित मान्यताएं जो होती हैं, जो लोग हित में है, सही गलत का चुनाव हो, जो समाज के हित में है वही मानव मूल्य, जो हमारे मूल्य हित में भी है और समाज के हित में भी है वही मानव मूल्य है, सही गलत का चुनाव है, परिस्थिति के हिसाब से जो सही है वही मानव मूल्य। मनुष्य सबसे पहले अपना भला सोचता है, कि हमारी प्रवृत्ति है सबसे पहले हम अपना भला सोचते, उसके बाद अपने परिवार का भला सोचते, परिवार के बाद पड़ोस का नंबर आता है, पड़ोस के बारे में सोच लेते हैं, पड़ोस का भी जब भला हो जाता है तो हम समाज के बारे में बोल लेते हैं, सोच लेते हैं, और उसके बाद हम राष्ट्र के बारे में। तो समय, देश, काल, परिस्थिति के अनुसार मानव मूल्य की परिभाषा बदलती है। बाल विवाह, विवाह की आयु तय की गई बाद में, पहले बाल विवाह हुआ करता था, पहले बीमारियां वगैरह जो होती थी ईश्वर की वो मानते थे, ईश्वर की दी हुई बीमारियां हैं। बाद में विज्ञान आया, तो विज्ञान से उन चीज़ों के बैकग्राउंड में जाने लगे, इसके बीच में सबस्टेंस क्या है जिसकी वजह से हुई थी, क्योंकि सब किसी टाइम में ईश्वर हमारा मानव मूल्य थे, आज विज्ञान मानव मूल्य बन गया। बाल विवाह होते थे, उस वक्त माना जाता था कि लड़की 10 साल की हो गई शादी कर दी, लेकिन बाद में विवाह की आयु तय हो गई, तो आज बहुत सी मान्यताएं जो थी वो बेबुनियाद हो गई, बहुत से मानव मूल्य जो थे वो बेबुनियाद हो गए। पारिवारिक मूल्य भी बदलते रहते हैं, किसी टाइम में संयुक्त परिवार की तरीके से मानव मूल्य माना जाता था कि हम मिलजुल कर रहते हैं, फिर धीरे धीरे करके एकल परिवार, छोटा परिवार, कोई टाइम था बहुत सारे बच्चे होना प्राउड माना जाता था, आज 2 बच्चे 1 बच्चे के लिए उसको मानव मूल्य माना जाने लगा। अतिथि देवो भव, अतिथि को बुलाना, अतिथि जो है हमारा देवता है, ये भी हमारा मानव मूल्य है, लेकिन ये समय के साथ बदलता चला गया। बड़े परिवार में अतिथि को देव माना जाता था, लेकिन अगर कोई एकल परिवार है वहाँ कोई मेहमान आ रहा है तो वो देव नहीं है, उसे पहले बता के आना पड़े, है ना। परिवर्तन जो है कई बार सकारात्मक भी हो सकते हैं और कई बार नकारात्मक भी हो सकते हैं। कई बार जैसे कि रात में झाड़ू लगाना एक पुराने टाइम में मूल्य माना जाता था कि नहीं लगानी चाहिए, तो कारण था क्योंकि रात में अंधेरा होता था गाँव में, वहाँ पर लाइट नहीं होती थी, कोई कीमती चीज़ कहीं झाड़ू में निकल के कूड़े में ना चली जाए। लेकिन बाद में क्या हुआ, ऐसे लोग किसी तरीके से रिजिडली उसको फॉलो करने लगे, गंदा पड़ा है तभी क्योंकि रात में झाड़ू नहीं लगाएंगे। अरे अब जब घर में लाइटिंग है, सब कुछ है, तो हम उस चीज़ को घसीट कर नहीं दे जाते, तो ये मानव मूल्य चेंज है। जिन्हें सुबह सुबह ही जल्दी निकल जाना है वो तो 3 बजे 4 बजे झाड़ू लगा के अपने घर से निकलेंगे ना, इस तरीके से। तो जिन आचरणों से हम अपने आप को समाज के साथ व्यवस्थित कर पाते हैं, वो व्यवहार जिनसे समाज का मंगल अपेक्षित हो और मानव की गरिमा भी मानव। तो मानव मनुष्य जो है, मनुष्य का जन्म है उसे ही दुर्लभ कहा गया है, कि मानव का जन्म जो मिला है वही बड़ी मुश्किल से मिला है। तो ये भी एक तरीके से मानव जन्म जो हमें मिला है, इसमें हम सभी के सभी आचरण जो है उनका हम पूरा पालन करें, ये हमारा मानव मूल्य। मानव मूल्य के प्रकार क्या क्या होते हैं, तो सार्वभौम मूल्य, जैसे कि सार्वभौमिक मूल्य है जो हमेशा हर जगह पर सत्य है, जैसे शांति, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, सुंदरता, हर्ष, किसी को नुकसान ना पहुंचाना, धोखा ना देना, सच बोलना, किसी को गुलाम ना बनाना, ये सब सार्वभौमिक मूल्य। एक होते हैं तर्क संगत मूल्य, तर्क कीजिए उसके बाद जो सही लगे उसे आप मानव मूल्य मान। एक होते हैं प्रकृति और सत्यापन योग्य, जिन्हें सत्यापित किया जा सकता है वो मानव मूल्य। तो सद्भाव की ओर ले जाने वाले मूल्य, जिनसे आप सद्भाव की ओर जा रहे हैं, व्यक्तिगत मूल्य, आपके पर्सनल अपनी कुछ वैल्यूज हो सकती हैं, कुछ मॉरल वैल्यूज हो सकती हैं, जिन्हें आप नैतिक मूल्य। हालांकि इन सबका भारतीय संस्कृति में बहुत ज्यादा महत्व, उत्पत्ति इसकी कहाँ से हुई, मूल शब्द जो है मूल से, जो मूल में वो जो जड़ में है उसे कहा जाता है मूल्य। प्रतिष्ठा की होगी वो वैल्यू, मूल्य वो वैचारिक इकाई है जिसके आधार पर मनुष्य अपना जीवन जीता है, वो वैचारिक इकाई है। वो विवेक जिसका प्रयोग मनुष्य प्रत्येक कार्य से पूर्व निर्णय लेने में करता है, जिसके दम पर हम सभी के सभी फैसले लेते हैं, वो हमारा मानव है। ये था हमारा पूरा का पूरा पाठ। अब सभी आचार्यों के बारे में यहाँ से आप बेटा स्क्रीन शॉट ले लीजिए, भक्ति के प्रमुख दार्शनिक और उनके सिद्धांत, ये मैंने आपके लिए एक तालिका बना दी है, इसका आप स्क्रीन शॉट ले लेंगे तो आपको याद करने में आसानी हो जाए। ये सारे के सारे आचार्य थे, इनका आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। इसके बाद में सभी के सभी संत कवि जितने अभी हमने पढ़े हैं
उनका भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। देखिए ये सारे संत कवि थे, इनके बारे में हमने पढ़ा है आज, जो आपके सिलेबस में थे बहुत सारे थे। देखो पढ़ते पढ़ते आप बोर भी हो गए होगे जहाँ तक है, इसका भी आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। इसके बाद हैं जयसी सूरदास, इसका भी आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आराम से। अभी और भी है, इनका भी आप स्क्रीन शॉट ले। तो ये था आपका पूरा का पूरा सिलेबस, इसमें जो प्रश्न बन सकते हैं थोड़े से मैंने ढूंढे हैं बेटे आपके लिए, भक्ति का अर्थ और अवधारणा प्रश्न, ये आपका पहले यूनिट में ही आपको मिल जाएगा। और आपका प्रश्न बताया कुछ प्रमुख दार्शनिक और उनके सिद्धांतों का परिचय भी। आपका प्रश्न बताया द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद का परिचय, इनमें से किसी का एक का दो का पूछा जा सकता है, ज़्यादा का भी पूछा जा सकता है। भारतीय भक्ति परंपरा का परिचय दीजिए, ये भी पूछा जा सकता है। क्षेत्र विशेष के किसी भक्त कवि के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे उत्तर प्रदेश के कई कवि हमारे पास आए हैं, पूछा जा सकता है आपसे। दक्षिण के कवियों के बारे में बताइए या पश्चिम के कवियों के बारे में आप बताइए, ऐसे करके प्रश्न आ सकता है। इसमें से आपके दो तीन प्रश्न आपके कम से कम कवियों के बारे में बनेंगे, क्योंकि 17-18 कवियों के बारे में हमने पढ़ा है, तो इनमें से कम 3 से 4 प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। इन्हीं दो की तुलना भी करवाई जा सकती है, जैसे संत तिरुवल्लुवर और कबीर की तुलना कीजिए, या संत तिरुवल्लुवर और यहाँ पर आपके तुलसीदास की कीजिए, या कोई भी दो को लिए। मानव मूल्यों से आप क्या समझते हैं, ये आपका प्रश्न बन सकता है। लास्ट में जो हमने अभी थोड़ा सा एक निबंध की चर्चा की कि जो वैल्यूज हैं वो चेंज होती रहती हैं, वो सब आप उसमें बोलिए, ये सारे प्रश्न बनते हैं बेटा। ये आपका सिलेबस था, एक बार फिर से टैली कर लीजिए। ये आपका पेपर था भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य, इसका ये सारा का सारा सिलेबस है, आप लोग टैली जरूर कर लीजिएगा। भारतीय भक्ति परंपरा 5 आपके पहले यूनिट में पार्ट थे, टैली का पार्ट थे भारतीय भक्ति परंपरा, भक्ति अर्थ और अवधारणा, भक्ति के प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, और भारतीय सांस्कृतिक एकता और भक्ति, भक्ति का अखिल भारतीय स्वरूप। दूसरी यूनिट है आपकी, सभी के सभी संतों के बारे में पढ़ा हमने। तीसरी यूनिट थी छोटी सी आपकी, मानव मूल्य और भक्ति, हमने पढ़ा मानव मूल्य का अर्थ। पेपर था आपका भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य, जो कि ऑल यूजी कोर्सेज सेमेस्टर 1 और 2 में 4 क्रेडिट 2 दो क्रेडिट कोर्सेज से आपको मिलेंगे। वैल्यू एडिट कोर्स है एज पर द UGCEF 2022 एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये आपका पेपर है बेटा, फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में होगा किसी के पास, किसी के पास सेकेंड सेमेस्टर में होगा। ये सभी के सभी यूजी कोर्सेज में ऑप्शन पेपर है आपका ये, इसकी आप तैयारी कर लीजिए। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको आपके पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैव अ ग्रेट डे।